गांधी जी ने कहा, मेरे लिए सत्य और प्रेम ही भगवान है। भगवान है विवेक, भगवान है निर्भयता। इसी सत्य, प्रेम, विवेक और निर्भयता की कहानी है सत्यकाम। सत्यकाम का उल्लेख अपने उपनिषद में है। सत्यकाम ने गुरु गौतम के पास जाकर कहा, भगवान मुझे अपना शिष्य बनाइए। गुरु गौतम ने पूछा, तुम्हारा गोत्र क्या है? सत्यकाम ने कहा, माँ से मैंने पूछा था। माँ ने कहा, बहुतों की सेवा करके तुम्हें पाया, इसलिए तुम्हारे पिता का नाम मैं नहीं जानती, लेकिन मेरा नाम जबाला है, इसीलिए तुम्हारा नाम जबाल सत्यकाम है, यही कहना। ऋषि गौतम ने सत्यकाम का सर चूम कर कहा, तुम ही श्रेष्ठ ब्राह्मण हो, क्योंकि तुम में सत्य बोलने का साहस है। ये थी पौराणिक कहानी। अब अपनी कहानी सुनिए। आज से वर्षों पहले एक नौजवान भगवान की खोज में निकला था। कहते हैं जब वह हिमालय के पास पहुंचा तो उसे आदेश मिला, सत्य की खोज ही सबसे उत्तम रास्ता है भगवान तक पहुंचने का। इस आदेश को हर दर हर घर पहुंचाने के लिए उस नौजवान सत्य नारायण आचार्य ने गृहस्थी बसाई और सप्तपर्णी गांव में गुरुकुल की स्थापना की। हमारी कहानी इसी आचार्य वंश की कहानी है। इस स्कूल के हर जातक का नाम सत्य से ही शुरू होता रहा। सत्य संधान, सत्य निष्ठा, सत्य आचरण, यही इनकी शिक्षा के तत्व रहे हैं। इसमें सपने में भी किसी का सत्य भ्रष्ट न हुआ। तुमने झूठ बोला, इससे बड़ी गाली इनमें से किसी के लिए सोची भी नहीं जा सकती। इसी कुल की एक संतान सत्यप्रिय मेरे साथ पढ़ता था। सत्यप्रिय जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन उसकी माँ चल बसी और उसके पिता संन्यास ले घर बार छोड़कर चले गए। सत्यप्रिय के दादाजी नैयायिक सत्य शरण ने ही नवजात शिशु को गले से लगाकर पाला, पोसा और बड़ा किया। सत्यप्रिय से मेरी मुलाकात इंजीनियरिंग कॉलेज में हुई और धीरे धीरे वो मेरे दिल में उतर गया। हॉस्टल में हम एक ही कमरे में रहते थे, एक ही सपने देखते थे। आज मैं सत्यप्रिय के बारे में सोचता हूँ तो मुझे उस जमाने की याद आती है, सन 46, जबकि हमारा देश अभी तक गुलाम था। कॉलेज के इम्तहान हो चुके थे और हम नतीजे के इंतजार में थे। दरअसल कॉलेज में वो हमारा आखिरी दिन था और प्रोफेसर सेन विदाई भाषण दे रहे थे। तुम सब इंजीनियर बनने जा रहे हो, मुझे आशा है तुम लोग अपनी तालीम, अपनी शिक्षा को सिर्फ रोजी रोटी के लिए नहीं बल्कि एक सच्चे व्रत के तौर पर ग्रहण करोगे। कॉलेज में तुम लोगों ने बक्टन मशीन पर काम किया है और देखा है कि किस तरह यह मशीन लोहे को खींचकर दो टुकड़े कर देती है। तुम लोगों के जीवन में भी बहुत सी परिस्थितियां ऐसी आएंगी जब ऐसा महसूस होगा कि जिंदगी एक बक्टन मशीन है और तुम लोग लोहे के टुकड़े। माफ कीजिएगा सर। यस सत्यप्रिय, इंसान लोहे का टुकड़ा नहीं, लोहे से भी कहीं ज्यादा मजबूत है। टेक योर सीट। भगवान से मेरी प्रार्थना है कि तुम लोग यही साबित कर सको। दरअसल यही हौसला, यही हिम्मत एक आजाद देश की सबसे बड़ी दौलत है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अपना देश जल्द ही आजाद हो जाएगा। तो क्या सचमुच आजाद हो जाएगा हमारा देश? अरे आप अपनी आजादी को कौन रोक सकता है? अपने चारों तरफ देखना, इंकलाब की आग भभक उठी है। एक तरफ नेताजी की आयन है, दूसरी तरफ रॉयल इंडियन नेवी की म्यूटिनी। अरे आज का अखबार नहीं पढ़ा? अब तो एयरफोर्स ने भी हिस्सा बटाना शुरू कर दिया। सर तू क्या सोचा है? नरेंद्र सचमुच हम लोग बहुत भाग्यवान हैं। कितने अच्छे दिनों में जन्म लिया है। भूख, बेकारी, ब्लैक मार्केटिंग सब खत्म हो जाएगी। सच पूछो तो मेहनत और ईमानदारी के दिन अब आए, सोचकर ही आंसू आ जाते हैं। भाई मैंने तो तय किया है कि पास होकर पढ़ाऊंगा, प्रोफेसर बनूंगा। भाई तुम्हारा क्या है, तुम लोग तो पास हो ही जाओगे। यहाँ तो अखंड प्रेयर चल रही है। नरेंद्र किसे चिट्ठी लिख रहा है? माफो मेरा प्रणाम लिख देना। अच्छा, अरे हाँ तेरे लिए भी चिट्ठी आई, दादाजी की है। हाँ परीक्षा का नतीजा निकलने के बाद उनकी राय जानना चाहिए थी कि मैं क्या करूं, उसी का उत्तर है। क्या लिखा है? लिखते हैं आशीषांग राशाय शंतु, तुम जानना चाहते हो तुम्हें क्या करना चाहिए। मैं उसके उत्तर में केवल गीता का एक श्लोक स्मरण करवाता हूँ। कर्मणे वादी कारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फल पर नहीं।
तुम मुक्त रहो, शुद्ध रहो, कर्मयोगी बनो, यही मेरा आशीर्वाद। सर, दादाजी से मिलने को बहुत जी चाहता है। तो चलना एक बार। गुरुकुल में रहने का भी एक नशा है नरेन, वहां ऐसा लगता है समय जैसे थम गया हो। और यहाँ देखो, 4 साल जैसे पलक झपकते गुजर गए। अब तू कहीं होगा और मैं कहीं। कभी कभी सोचता हूँ हम दोनों फेली हो जाए। अरे ऐसा मत बोल, ऊपर वाले में सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत है, कहीं सुनते ही तथास्तु बोल दिया तो बस उधर रिजल्ट आउट हुआ हम दोनों। सी
नहीं है रस्सी नहीं है दोस्ती दिल की धड़कन, लस्सी नहीं है रस्सी नहीं है दोस्ती दिल की धड़कन, दुश्मनी सहरा सहरा कर दोस्ती गुलशन गुलशन दोस्ती गुलशन गुलशन है खबर देने के लिए पीटर को भेजा था, अभी तक नहीं आया। वैसे वो दिल की मरीज है, कहीं अखबार में खबर पर। सुनिए, मेरा नाम प्रमोद दास है, मेरा बेटा सुनील कैसा है? सुनील? हाँ हाँ, सुनील दास। सुनील? अच्छा अच्छा, ठीक है। वो आप झूठ बोलते हैं, मैंने सुना कोई गुजर गया। जो गुजर गया उसका नाम हरभजन सिंह है। ओ, हरभजन सिंह। तो मेरा बेटा सुनील कहाँ है? इनको सुनील के पास ले। अच्छा, आइए। नरेन, खबर दे दी माजी को। दे दी ना? हाँ भैया। लेकिन किस उलझन में फंस गया? माय गॉड, क्या हुआ? मैंने कहा तेरे सिर पे जरा सी खराश आई है, बस अचानक वो मेरा हाथ पकड़कर घसीटती हुई अंदर ले गई पूजा के कमरे में और कहने लगी छुओ देवी के चरण, लो सौगंध इनकी। और मैं तो उनको बता भी नहीं पाया कि मैं क्रिश्चियन हूं। बताता तो वो समझती कि शायद मैं उनको कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूं। और तुमने मुझे पहले ही कह दिया था कि माजी दिल की मरीज है, बस मैंने आंखें बंद करके दोनों हाथ देवी के चरणों पर रख दिए। बस माजी मुझे सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने दिल में कहा होली मेरी, महादेवी शायद आप दोनों मुझसे नाराज हो गए। लेकिन मैंने एक माँ के दिल को खुश कर दिया ना। बेटा, दैनिक समाचार से इस दुर्घटना का पता चला, इसलिए यहाँ चला आया। अरे बेटा तुम्हें भी? जी नहीं, कुछ नहीं खास बात है। पैर में चोट लगी बेटा? बहुत दर्द होता है। जानता हूँ, लेकिन जी कड़ा करो, तुम्हें इंजीनियर बनना है, देश जात की सेवा करना है। बोलते क्यों नहीं? कहाँ है मेरा बच्चा? कहाँ है मेरा बच्चा? नहीं, 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 नहीं। हरभजन की माँ, देखो इधर, इधर देखो। मेरी कसम खा के कहो कि भगवान अगर तुमसे आके पूछे। अरे तू यहां अकेला खड़ा क्या कर रहा है? मैंने सारा हॉस्टल छान मारा तेरे लिए। सत, तूने कहा था ना दिन में एक बार आकाश का सामना करो तो अपने आप को पहचान सकोगे। मैंने नहीं, स्वामी ध्रुवानंद ने कहा था। लेकिन मुझे तो डर लगता है सर। क्यों नरेन? देखना सितारों की आंखों में कितने सवाल हैं। लगता है हरभजन की बात अभी तक तेरे दिमाग पर छाई हुई है। अच्छा सर, जिंदगी के कोई माने हैं? हाँ हैं। क्या है? कोई दूसरा नहीं बता सकता। हर आदमी को अपनी अपनी जिंदगी के माने खुद ढूंढने पड़ते हैं। नहीं सर, मुझे तो लगता है कोई मतलब नहीं, कोई माने नहीं। हरभजन तो गया, हम जो रह गए हैं उनमें से कौन कहाँ जाएगा क्या मालूम। कल मैं अपने घर चला जाऊंगा तो अपने गांव, उसके बाद ये दोस्ती, इतना प्यार। तू ऐसा क्यों सोचता है नरेन? देख, हम जहां कहीं भी रहेंगे इस आकाश के नीचे ही रहेंगे और इन सितारों से हमारा फासला एक ही होगा ना। फिर देख वो सितारों का झुमका, देख रहा है? उसमें जो सबसे ज्यादा चमकता सितारा है ना, उसका नाम है स्वाति। एक भेद की बात बताऊं? क्या? मुझे स्वाति से प्यार हो गया है। और मैं कई बार उसके कानों में कह चुका हूं कि मैं जब भी शादी करूंगा तो अपनी उसका नाम स्वाति रखूंगा।
नरेन जो उसके साथ दूसरा सितारा है ना, उसका नाम है चित्रा, तू उसे अपना ले। और फिर हम जब भी इन सितारों को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे आज की तरह हम दोनों एक दूसरे के पास हैं। क्यों रे नवभारत, क्या अध्ययन हो रहा है? गीता का पाठ कर रहा हूँ दादाजी। गीता का पाठ? अरे इतनी बड़ी क्रांति! अरे आजकल तो लोग बस सौगंध लेने के लिए गीता का नाम लेते हैं, या जिन लोगों का मन संसार से उचट गया हो अथवा जो प्रेम में असफल हो। नहीं दादाजी, ऐसी कोई बात नहीं, ना तो मैं प्रेम में असफल रहा हूँ और ना ही मेरा मन संसार से उचटा है। अरे तब तो तुझे अच्छी तरह संसारी हो जाना चाहिए, और मैंने तेरे लिए एक लड़की भी देख ली है। शायद ऐसी किसी लड़की को देखकर महाकवि कालिदास ने कहा है, तन्विश्यामा शिखरि दशना पक्विम्बा धरोष्टि मध्यक्षामा चकित हरिणी प्रेक्षणा निम्ननाभि श्रोणि भारत अलस गमना स्तोक नम्रास्तनाभ्याम। इसका अर्थ समझा? नहीं, लेकिन जिस उल्लास से आप इसका सौंदर्य वर्णन कर रहे हैं उससे ऐसा लगता है लड़की अब मेरे लिए नहीं। हाँ हाँ, वो भी हो जाता। 150 वर्ष पहले मुझ जैसा कुलीन ब्राह्मण ये राज भी रचा लेता। सर तेरी चिट्ठी कहा आपने सच से? अभी यही तो कह रहा था। क्या जवाब दिया? जवाब तो इसने अभी तक नहीं दिया, पर जिस प्रकार से मैंने लड़की का रूप वर्णन किया है इस पर प्रभाव तो अवश्य पड़ा होगा। प्रभाव तो पड़ा है दादाजी, लेकिन अभी ब्याह शादी टालनी पड़ेगी। क्यों क्यों? नौकरी का इंटरव्यू आ गया। नौकरी का क्या? बुलावा आ गया है बंबई से, यूनाइटेड पेपर मिल्स। आपको अंदर बुलाए। थैंक यू वेरी मच। मे कम इन सर? कम इन मिस्टर आचार्य, आइए आइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, तशरीफ रखिए। आप हैं श्याम सुंदर जी, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर। तो आप फर्स्ट क्लास सेकंड हैं, फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्यों नहीं हुए? इसलिए कि जो लड़का फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया है वो मुझसे अच्छा स्टूडेंट था। बहुत खूब, जिंदगी का नजरिया बहुत सेहतमंद है आपका। बस उनके खिलाफ एक ही चीज आती है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, ना तजुर्बेकारी। एक्सपीरियंस तो काम करने से आता है श्याम सुंदर जी, और फिर मुल्क के होनहार नौजवानों को हम मौका नहीं देंगे तो और कौन देगा? ठीक कहते हैं आप, अगर आप हमें खुश कर सके तो आप भी बहुत खुश रहेंगे। हम आपको और ट्रेनिंग के लिए अमरीका भेजना चाहते हैं, आपको बाहर जाने में कोई एतराज तो नहीं है? जी मुझे क्या एतराज हो सकता है। चटर्जी जी को बुलाओ। तो फिर आज ही से ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सर। लेकिन हमारी एक शर्त है। फरमाइए। आपको बाहर गांव जाना होगा, और वो भी 24 घंटे के नोटिस पर। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। चटर्जी जी, आप हैं मिस्टर सत्यप्रिय आचार्य, हमारे प्रोजेक्ट के इंजीनियर, और ये है हमारा ओवरसीयर। चटर्जी जी, इन्हें बाहर ले जाओ और सबसे मुलाकात कराओ। अच्छी तरह से छानबीन किए बगैर किसी आदमी को नौकर रख लेना। और छानबीन क्या करते हैं हम? बात यह है कि ये आदमी मुझे जरूरत से ज्यादा होशियार नजर आता है। ये दिखावटी होशियारी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, और फिर शाम को हमारी मीटिंग है, उसमें हमें सब तय करना है। इतने शॉर्ट नोटिस पर एक क्वालिफाइड इंजीनियर कहां से लाएंगे? थैंक यू मिस्टर चटर्जी। अब मुझे मिस्टर मत कहा कीजिए, मेरा नाम है अनंत चटर्जी। अनंत चटर्जी? अनंत, ओ अनंत पुकारिए, नहीं तो सिर्फ चटर्जी। ठीक है, मैं आपको चटर्जी बुलाऊंगा। थैंक यू सर। चटर्जी कागज वगैरह ले आइए ना, काम अब शुरू किया जाए। काम? गुस्ता की माफ कीजिए, कैसा काम? पूरा 2 महीने हो गया मैं इधर काम कर रहा हूँ, काम कुछ नहीं है। तो आप वक्त कैसे बिताते हैं? मैं कहाँ वक्त बिता रहा हूँ, वक्त मुझे बिता रहा है। सर बचपन में कविता लिखने का शौक था, तंग आकर फिर कविता लिखना शुरू कर दिया, पर इसे मालूम होता अभी काम जल्दी शुरू हो जाएगा।
लेकिन चटर्जी मेरे लिए तो एक दिन बेकार बैठना मुश्किल हो जाएगा। मैं तो मायनों की बात कर रहा था सर। मिस्टर आचार्य, शाम को 6 बजे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है। मैं चाहता हूं कि सब मेंबरों से आपका परिचय करा दूं। आप यही रहिए। शाम से मीटिंग शुरू 10 बज चुकी है। सर, शायद आपके बारे में भूल ही चुके हैं। कहाँ जा रहे? अंदर जा रहा हूँ। हाँ जी, अंदर सब। तो क्या हुआ? कुमार सर, तुम और आए? मैं एक अरुण सर। आइए आइए, हियर इज द ग्रेट इंजीनियर ऑफ आवर ग्रेट प्रोजेक्ट मिस्टर आचार्य, और आप हैं कुमार विक्रम सिंह ऑफ भवानी का। नमस्ते जी। कौन साहब? मिस्टर आचार्य गोल्ड मेडलिस्ट। हमारे प्रोजेक्ट में गोल्ड मेडल उतना काम नहीं आएगा जितनी की स्मार्टनेस। माफ कीजिए, मुझे अभी तक ये पता नहीं चला कि मुझे काम क्या करना है। मिस्टर आचार्य, आपको कौन साहब की स्टेट में जाकर जमीन को सर्वे करना है। जमीन कितनी होगी? यही कोई 1000 एकड़। तब तो चटर्जी को साथ ले जाना पड़ेगा, और सर्वे के लिए कुछ सामान वगैरह भी चाहिए। आप इन माइनर डिटेल्स को छोड़िए, आप कल शाम को ब्यूटी स्टेशन पहुंचिए, हम लोग कलकत्ता में रवाना होंगे। क्या मैं जान सकता हूँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं? आचार्य साहब, आप हमारे साथ जा रहे हैं। अगर हम जहन्नम में भी जाएं, तो आपको जाना पड़ेगा। कहिए, कोई एतराज है? एतराज की कोई बात नहीं कुमार साहब, VTC को गाड़ी जहन्नम भी जाती है, मुझे नहीं पता था। खैर, जन्नत या जहन्नम जहां भी जाना हो मुझे बता दीजिए, उसी हिसाब से मैं तैयारी कर लूं। लेट मी एक्सप्लेन। मेरा नाम सुजान मेहरा है और मैं इस प्रोजेक्ट का जर्नलिस्ट हूँ। हम लोग सेंट्रल इंडिया जा रहे हैं, रियासत भवानीगढ़। वहां पर हमारा एक पेपर मिल बन रहा है। जियोलॉजिस्ट? जी हाँ। मगर जियोलॉजिस्ट का तो जमीन के नीचे क्या है उससे ताल्लुक होता है, तो पेपर मिल से आपका क्या वास्ता? That's none of your business, gentlemen. मिस्टर आचार्य, would you care to join? No, thank you, sir. Have a drink. और कोई हुक्म मेरे लिए? Good night. Good night. हुजूर, आप क्यों यहाँ? एक कप कॉफी नहीं मिल सकती? क्यों नहीं हुजूर, आइए, तशरीफ लाइए। रंजू बीबी कैसी हैं? आपकी मेहरबानी। देखिए, कुछ मेहमान आ रहे हैं, आप उनकी देखभाल कीजिए। जो हुकुम सरकार। इधर तो जश्न मनाया जा रहा है। क्यों? ये धूमधड़ाका कुमार बहादुर जो आए हैं ना। मैंने सोचा हम लोग के आने के खुशी में। हम लोग सीधे सर्वे की जगह क्यों नहीं चले जाते? जी नहीं, पहले गेस्ट हाउस चलिए, कुमार बहादुर का हुक्म है। आजकल गेस्ट हाउस का केयरटेकर कौन? जी वही अपने पुराने रुस्तम जी। साहब जी, आपने कहा था थियोडोलाइट वगैरह का इंतजाम हो जाएगा, लेकिन अगर थियोडोलाइट का इंतजाम नहीं है तो काम नहीं होगा। आप फिक्र मत कीजिए, गुरबचन मेहता यहाँ के ओवरसियर हैं, ये सब बंदोबस्त कर देंगे। चलिए आइए। ये ऑल इंडिया रेडियो है। आज 30 जून 1947 है, सोमवार का दिन। कल शाम लॉर्ड लुई माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू और मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना के साथ एक बातचीत के दौरान में कहा कि 15 अगस्त के रोज जब बरतानिया की हुकूमत हिंदुस्तान को आजादी और खुद मुख्तारी देगी, तो उसके साथ ही हिंदुस्तानी रियासतों पर भी उसके तसल्लत का खात्मा हो जाएगा। लेकिन रियासती हुक्मरानों को नई कायम होने वाली इन आजाद हुकूमतों में से किसी एक के साथ अलहद करना पड़ेगा। स्टॉप इट, बंद करो ये बकवास। के लिए कोई चीज फिट है। आज लंदन में ब्रिटिश कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, जब तक उसके नतीजे का पता न चले गोली मारो कैबिनेट मीटिंग को। हमारे साथ धोखा हुआ है। अभी उस दिन सर कॉनराड ने हमें यकीन दिलाया था। कॉनराड के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कुमार साहब, इसीलिए निजाम हैदराबाद ने बयान दिया है कि वे इस फैसले को नहीं मानेंगे। सिर्फ उन्होंने ही नहीं, त्रावणकोर, जोधपुर, जैसलमेर, जूनागढ़ और कश्मीर ने भी इन बेहुदा तजवीजों को नहीं माना है। दीवान साहब कहाँ है? सरदार पटेल के पास जो हमारा आदमी भेजा गया था वो अभी तक लौटा है कि नहीं? वो उन्हीं से बातें करने के लिए गए हुए हैं। बातें करने गए हैं? बातें बातें बातें
हिंदुस्तान में 500 से ज्यादा रियासतें हैं, मुल्क की एक तिहाई। अगर इनके वली वारिस चाहें तो क्या बातों के अलावा और कुछ नहीं कर सकते? आइए आइए, बधाइए कुमार। आप इलाके में पहुंचकर काम जल्द ही शुरू कर दीजिए और इस काम की सारी जिम्मेदारी आप पर ही है। गुरबचन मेहता आपकी मदद करेगा, आपको जिस चीज की जरूरत हो उससे कहिए। मैं परसों बंबई वापस जा रहा हूं। आओ आओ रंजू बीबी, क्या हालचाल है तुम्हारे? ये तो रुस्तम जी के सरासर नाइंसाफी है, तुम्हें यूं फांस रखा है जैसे कोई मैना पिंजरे में हो। अब की बार मैं जब बंबई जाऊंगा तुम्हें जरूर अपने साथ ले चलूंगा। वह दिल बहलाने की बहुत सी चीजें हैं, सिनेमा, चिड़ियाघर, अजायब घर। क्यों रुस्तम जी? वाह वाह वाह, आपकी नवाजिशों का क्या अर्ज करूं हुजूर, ये लड़की कितनी खुशकिस्मत है। हाँ मुझे कॉफी नहीं चाहिए, आइए श्याम सुंदर जी हम पैलेस चलेंगे। जी शुक्रिया, मुझे कॉफी की आदत नहीं। चटर्जी सर, ये तुमरी नदी के पत्थर कुछ अजीब से नहीं? एक और अजीब चीज देखी आपने? क्या? इतने दिनों से हम लोग सर्वे कर रहे हैं, अभी तक थियोडोलाइट का पता नहीं। लेकिन रुस्तम जी तो कह रहे थे गुरबचन मेहता थियोडोलाइट लेकर आ रहे हैं। ये तो हम लोग चमन से समुद्र बीच रहे हैं सर। ठीक है, कल तक थियोडोलाइट नहीं आई तो काम बंद कर देंगे। फिर कल क्यों सर, आज ही बंद कर दीजिए। ठीक है बंद करो। मधु सामान लेके काम पे आओ। ये जीप में कौन है? मैं हूँ बाबूजी। अरे रुस्तम जी, थियोडोलाइट ले आया? वो चीज क्या है बाबूजी, गुरबचन के समझ में ही नहीं आती। तो काम कैसे होगा? इसीलिए तो आपको लेने आया हूँ, कुमार बहादुर ने आपको याद किया। ठीक है सर, आप एक बार चले चलिए, सब मालूम हो जाएगा। ठीक है चलिए। चलता हूँ, जरा गला तो तर कर लेने दीजिए बाबूजी। दो बोतलें भेजी थी मैंने, देखता हूँ वो तो ज्यों के त्यों पड़ी है। और पूछताछ करने पे पता चला कि आपने यहाँ के मशहूर सुंदरियों को भी कैंप में नहीं बुलवाया। समय कैसे बीता आपका? मैं यहाँ काम करने आया हूँ। काम काम काम। चटर्जी बाबू जी, तुम्हें शौक है या तुम भी? तुम लोगों से इस दुनिया में कुछ नहीं होगा। वो एक आदमी ने पढ़ा जो स्टोरेज। क्या कहा? मैं कह रहा था मैं पीता नहीं। ओ समझा समझा। दो दिन की
इतना उदास कर देने वाला गीत क्यों रंजू बीबी? वैसे गीत बहुत खूबसूरत था। सरकार की मेहरबानी। नहीं नहीं, ऐसे गीत तुम्हारे मुंह से अच्छे नहीं लगते। ये तो तुम्हारे मुरादों के दिन है। मुरादों के साथ हम गरीबों बेकसों का क्या रिश्ता? तो रिश्ता जोड़ लो ना। देखो ये तुम्हें पसंद है? नहीं सरकार, मैं आपकी इतनी बड़ी इनायत के काबिल नहीं हूँ। तुम किस काबिल हो वो हमसे पूछो। हीरे की परख जौहरी ही जानता है। गुस्ताखी माफ कीजिएगा सरकार, मैं हीरा नहीं हूँ, हीरा तो सिर्फ पत्थर है। मेरा नाम आचार्य है, कुमार साहब से अपॉइंटमेंट है मेरे। मेहरबानी करके जरा ठहरिए। देखिए सर, मैं जरा चक्कर में कहूं। तमाम इंतजाम करना है, समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। क्या चाहिए आपसे? कुछ नहीं चाहिए हुजूर, ये हमारी पेपर मिल के इंजीनियर है। थोड़ी देर बाद आइए। मेरा नाम सतप्रिय आचार्य है, क्या मैं जान सकता हूँ किनसे मिलने का न्यास हासिल हो रहा है? बेशक, मुझे वज्रधर तलवार कहते हैं, मैं इस रियाज का दीवान। बड़ी खुशी आपसे मिलकर। माफ कीजिए हजूर, कोई अंदर है। सरकार मजबूरी है। कहां गई वो लड़की? मैं उसी गोली से उड़ा दूंगा। कुमार डोंट बी सिली। सिली? अभी तक ये रियासत हमारी है, यहाँ के मालिक हम है। एक दो टकी की छोकरी। आपसे कहा ना कि बाद में आइएगा। नहीं, इनको मैंने ही बुलाया, आइए मेरे साथ। सर्वे का काम पूरा हो गया? जी नहीं, कुछ जरूरी सामान चाहिए। क्या सामान? कैसा सामान? जैसे थियोडोलाइट और कुछ। लानत भेजिए थियोडोलाइट पर। पहले आप सर्वे का काम पूरा कीजिए, बाद में आपको जो लाइटें वाइटें चाहिए मंगवा दी जाएंगी। मगर इन चीजों के बगैर तो कुछ। मैं कोई बहाना सुनना नहीं चाहता, मुझे काम चाहिए। शुक्रवार तक प्लान तैयार हो जाना चाहिए। आप जा सकते हैं। कुमार बंद करो ये सब और तैयार हो जाओ। चलिए सर, आज ही रात की ट्रेन से भाग चले। क्यों? हालत बहुत नाजुक है। किसकी? पच्चीस जुलाई कॉन्फ्रेंस में इस पर ही उस पर हो जाएगा। माउंटबेटन में इन सब राजे महाराज को बुलाया इनके तकदीर का फैसला करने के लिए। तो हम क्यों भाग जाए? देखिए सर, हम दोनों तरफ से मरे जाएंगे, इनके राज गए तो नहीं गए तो। अब हमारे इधर रहना ठीक नहीं है। देखो चटर्जी, मैंने जिस काम का जिम्मा लिया उसे पूरा किए बगैर नहीं जाऊंगा। तुम ऐसा करो, तुम कैंप चले जाओ, मैं आज रात को श्याम सुंदर को चिट्ठी लिखता हूँ और सुबह गुरुवचन मेहता से मिलकर आ जाऊंगा। चलो। चल, तो अपने आप को क्या समझ? बारी आसमान से ऊपर आइए। बाबूजी, ये मेरे बाप से कान नहीं धर, आप ही समझाइए। ये सब क्या हो रहा है, क्या समझाऊं? समझाने की कोई खास बात नहीं बाबू जी, बात यह है कि कुछ लोग अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो कुल्हाड़ी पे पैर मारते हैं। अब आप ही बताइए बाबू, कुमार साहब कुछ छोटे मोटे आदमी हैं, वो सिरानी बनाना चाहते हैं, ऐसी वैसी नहीं, अपने दिल की रानी। घेरों से लदी हुई, कपड़ों से संदूक भरे थे। आपने कभी इनसे पूछा ये क्या चाहती है? यही तो मजे की बात है, महारानी साहिबा कुमार साहब के साथ इसलिए नहीं जाएंगी कि आप शादी करना चाहती हैं। बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े बाबूजी,
आप तो खाते पीते घर के खानदानी लड़की हैं। कभी आपने सुना है कि एक वेश्या की लड़की ने शादी की हो? बाबूजी, यह बहुत जिद्दी लड़की, देखिए शायद आपका जोर इस पे चल जाए। हाँ रुस्तम जी दरवाजा खोलिए रुस्तम जी। क्या मजाक, सुनिए रुस्तम जी दरवाजा खोलिए। अजीब पागल आदमी। शिवनंदन कहाँ है? वो तो दरवाजा खोल देगा ना। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। रुस्तम जी ने जानबूझकर ये सब कुछ किया है। जब चार आदमी के सामने दरवाजा खुलेगा तो मुझे अपना कुछ नहीं, आपका ख्याल आता है, क्योंकि इसके बाद आप कुमार साहब के रंग महल की सेवा कहीं की न रहेगी। आप रोइए नहीं, मैं रेलिंग का सहारा लेकर बाहर से दरवाजा खोल देता हूँ। नहीं बाबूजी, आप गिर जाएंगे। नहीं तो आप गिर जाएंगी। चारा नहीं, आप ऐसे कीजिए अंदर सो जाइए, मैं बाहर सो जाऊंगा। चाहिए ना, तो रात बहुत हो चुकी है, चाहिए सो जाइए। आप नीचे क्यों बैठ गई? यही मेरी जगह है बाबूजी। नहीं नहीं, आप ऊपर सो जाइए पलंग पर। नहीं, मुझे मत उठाइए, मेहरबानी होगी। अच्छा, कौन कौन है आपके? मेरा कोई नहीं है बाबूजी। अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, ये रुस्तम जी कौन है? दुश्मन। लेकिन जो कुछ इन्होंने अभी आपके साथ किया है, कोई दुश्मन भी किसी के साथ नहीं कर सकता। कसूर उनका नहीं है बाबूजी, कसूर तो मेरी पैदाइश का है। रहने दीजिए इन बातों को, सो जाइए, रात बहुत हो चुकी है। बाबूजी, वो चली गई बाबूजी। एक बात कहूं,
आप एकदम बेकार और निकम्मे आदमी। सुबह जब दरवाजा खोला तो देखा बाहर पड़े हुए लड़की अंदर। आप में मर्दों वाली कोई बात नहीं। रुस्तम जी, रात जो हरकत आपने की उसके लिए मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि आपने शराब पी रखी थी, मगर इस वक्त होश में जो आप बकबक कर रहे हैं इसे मैं वहशीपन के सिवा कुछ नहीं कह सकता। आप ठीक कह रहे हैं बाबू, मैं आपकी जगह होता तो ऐसे ही करता, और आप मेरी जगह, खैर छोड़ दीजिए इन बातों को, थूक दीजिए गुस्सा। सुबह सुबह बोनी के समय लोग मीठी मीठी बातें करते हैं। बात यह है बाबूजी कि मैं 2-3 दिन के लिए किसी सरकारी काम से भोपाल जा रहा हूं, कुंवर साहब का मरसला ले, और उनके लौटने से पहले मुझे जवाब भी लाना है। इस अरसे में रंजू बीवी को मैं आपके जिम्मे छोड़ रहा हूं। मेरे जिम्मे? जी हां, मैंने देख लिया ना कि आप शरीफ आदमी हैं, और फिर रंजना को आपकी देखरेख में छोड़ना भी तो एक सरकारी काम है। बात यह है बाबूजी कि अब रंजना मेरी नहीं, कुमार साहब की जायदाद है। और याद रखिए, कुमार साहब अभी तक 2-3 महीने की सजा दे सकते हैं, लेकिन हो सकता है 2-3 हफ्ते में वो फांसी भी दे सके। अच्छा सुनिए, एक सवाल पूछो। पूछने को तो आप 10 पूछ सकते हैं, लेकिन एक का भी जवाब दे सकूं या नहीं ये ऊपर वाला जाने। आप इस लड़की की जिंदगी क्यों तबाह कर रहे हैं बाबूजी? तबाही तो इस लड़की के नसीब ही में लिखी है। क्या मतलब? ये एक लंबी कहानी है बाबूजी। आपको सिर्फ इतना बता देना ही काफी। मैं इस लड़की की मां को जानता था, वो एक इज्जत वाले घर की लड़की थी, मगर बदकिस्मती 14 साल की उम्र में वो अपने बाप के ड्राइवर के साथ भाग गई, और ये उसकी बेटी अपनी मां के कर्मों का फल भोग रही है। मरने से कुछ दिन पहले उसकी मां मुझे अचानक मिल गई। मैंने उसे वचन दिया कि उसकी बेटी को कभी भीख नहीं मांगनी पड़े। अब आप ही बताइए बाबूजी, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? कुमार बहादुर की नजर में ये जज गए। हो क्यों नहीं सकता, कोई अच्छा सा लड़का देकर शादी कर दीजिए। आपका मतलब है मैं इस राज को छुपाऊं? रुस्तम जी, आजकल बहुत से पढ़े लिखे लड़के हैं जो जात पात की परवाह नहीं करते। बाबूजी, सीने पे हाथ रखकर कहिए जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। हाँ, क्यों नहीं? क्या आप इस लड़की के साथ शादी करने के लिए राजी हैं? देखिए, बात दरअसल ये है कि मैं कहना आसान है बाबू, करना बहुत मुश्किल है। अच्छा इंजीनियर साहब, अब मैं चलूंगा। हो सकता है मेरे लौटने तक हिंदुस्तान की रियासतों के साथ भवानीगढ़ का नक्शा भी बदल चुका हो। शायद आप भी इतने बड़े आदमी बन चुके हो कि ऊपर देखने के लिए नीचे एक टोपी संभालनी पड़े। अच्छा नमस्ते। बाबूजी, ये क्या, शिवनंदन कहाँ है? क्यों, मैं क्या अछूत हूँ? अछूत तो आप हैं। कल आपने जो खाना खाया वो मैंने ही पकाया था, शिवनंदन ने तो सिर्फ परोस दिया था। नहीं, मैंने कब कहा कि आपके हाथ का खाना नहीं खाऊंगा, लेकिन कल ये तो पता चल ही गया कि आप अछूत हैं। सुनिए, अछूत का मतलब समझती हैं आप? जिसे छुआ ना जा सके। कल रात आप इस कमरे में रहीं, क्या मैंने हुई ना अछूत आप? अच्छा, मेरी कल की बात का जवाब नहीं दिया आपने। कौन सी बात? रुस्तम जी क्या होते हैं आपके, दुश्मन के सिवा? धर्म बाप। धर्म बाप? क्यों, धर्म बाप नहीं हो सकते? 40 साल बड़े हैं मुझसे। 40 साल? क्या उम्र होगी रुस्तम जी की? मैं समझ गई, आप इतने भोले नहीं है बाबूजी जितने देखने में नजर आते हैं। क्या मतलब? मैंने कहा ना
वो मुझसे 40 साल बड़े हैं, उनकी उम्र बता देने से आप मेरी उम्र नहीं जान जाएंगे। मैं खुद ही बता देती हूँ, मैं 19 साल की हूँ। अब जोड़ लीजिए रुस्तम जी की उम्र। मैं भी समझ गया, आप इतनी भोली नहीं है जितनी नजर आती। अच्छा, धर्म बाप बनकर उन्होंने आपकी शादी का बंदोबस्त क्यों नहीं किया? शादी? मुझ जैसी लड़की से शादी कौन करेगा बाबूजी? इस एक लड़की का लज्जा ना समझूं, या शायद आप मुझसे ये कहलवाना चाहती हैं कि आप बहुत खूबसूरत हैं? नहीं, ये बात सुन सुनकर मेरे कान पक गए। हर मर्द की जुबानी मैंने यही बात सुनी, अब तो सुनकर मुझे जैसे मतली होने लगती है। कम से कम आप तो मुझे ऐसा ना कहिए बाबूजी। इन सब लोगों में आप मुझे क्यों मिला रही हैं? तो फिर आप सब मिलकर क्यों मुझे नरक में ढकेल रहे हैं? रंजना जी, ये सब बातें मैं क्या जानूं? अब तो जान गए हैं ना, अब देखो क्या करते हैं आप। हुजूर, जीप आ गई। ठीक है, तुम चलो, मैं भी आता हूँ। मिस्टर जी, आप बैठे, गाड़ी में चलाता हूँ। बाबूजी, 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 ठहरिए। आप इतनी जल्दी खाना खा लेते हैं। मिस्टर जी, आप पीछे बैठिए, मैं सामने बैठूंगी। आप कहाँ जा रही हैं? जहाँ आप जा रहे हैं। मतलब? आप रोज रोज घूमने जा सकते हैं और मैं एक दिन नहीं जा सकती हूँ। देखिए, मैं घूमने के लिए नहीं, काम के लिए जाता हूँ। हाँ बाबा, हाँ मालूम है, आप बड़े काम वाले हैं। लेकिन रुस्तम जी आपसे कह गए थे ना मेरी देखभाल करने के लिए। शिवनंदन, जल्दी जल्दी सामान गाड़ी में रख दो, साहब बड़े काम वाले हैं, देर हो जाएगी। इतना सामान आप किस लिए ले जा रही हैं? क्या मैं सारा दिन एक कपड़े में रहूंगी? वहाँ जंगल में आपका सिंगार कौन देखेगा? इसकी आप चिंता मत कीजिए, देखने वाले को साथ ले जा रही हूँ। चलिए ना, अब खुद देर कर रहे हैं। वाह, ये तो आप लोगों ने सचमुच पिकनिक मना डाली है। खाना भी शुरू कर दिया? खा कब रहा हूँ सर, मैं तो सर चख रहा हूँ। चख रहे हो तो आराम से बैठकर चखो ना। नहीं सर, मैं आज एक का नहीं, दो पेट का खाना खाऊंगा। अब बैठिए, मैं जरा दांत माँज कर आता हूँ। ये ठीक है, मैं और चाचा जी भैया एक साथ ही खाएंगे, आप शुरू कर दीजिए। ये क्या, आप भी नहीं खा रही? अरे मैं तो समझा था हम लोग मिलकर खाना खाएंगे। माँ कहा करती थी, जो लोभी नहीं है उन्हें खाना खिलाकर इस बात की परख होती है कि पकाना ठीक से सीखा है या नहीं। लेकिन मैं लोभी नहीं हूँ, ये आपसे किसने कहा? ये तो आपको देखने से ही पता चल जाता है। अच्छा बाबूजी, आज आपको थोड़ा सा झूठ का सहारा लेना पड़े तो ले लीजिए। झूठ का सहारा? हाँ, मेरी खातिर। आपको खाना पसंद ना भी आए तो थाली खत्म करके ही उठिए। खाना वाकई बहुत अच्छा है, मैं आपको मन रखने के लिए झूठ नहीं बोल रहा, खाना बहुत ही अच्छा है। मैं तो झूठ के सिवा किसी के मन को छू भी नहीं सकती। मुझे तो आप में कोई झूठ नजर नहीं आता। आप अपने नजरों से वो झूठ देख नहीं पाएंगे, मैं तो नकल कर रही हूँ, माँ की नकल। रंजना जी, इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ वही आपका असली चेहरा है, शांति की मूर्ति, लक्ष्मी की पति। बाबूजी, ये पहली बार मुझसे किसी ने ये सब कहा, और ये पहली बार मैं इस तरह अपने हाथों से खाना पकाकर किसी को खिला रही हूँ। हम औरतों के लिए ये बात क्या माने रखती है मैं आपको समझा नहीं सकती। मेरे नसीब में इतनी खुशी, ये सब कैसे हो सकता है? आप तो रोने लगी। देखिए, आप रोएंगे तो मैं खाने कैसे खाऊंगा?
चिट्ठी लिख रहे हैं आप? आइए आइए। आप बहुत चिट्ठियां लिखते हैं। किसने कहा? चाचू जी भैया ने। अच्छा, ये सब भी जान लिया आपने। बैठिए ना। किसे लिख रहे हैं? घर, माँ बाप के नाम? जी नहीं, मेरे माँ बाप नहीं है। माँ का तो मेरे पैदा होते ही स्वर्गवास हो गया था, पिताजी संन्यास लेकर चले गए। तब तक बहुत अकेले होंगे। जी नहीं, अकेला क्यों, मेरे दादाजी हैं जिन्होंने पाल पोस कर मुझे बड़ा किया है, और दशरथ भैया है जो बचपन से मेरी देखरेख करते हैं। और कौन कौन है आपके? और कॉलेज के मित्र हैं। और? मैंने शादी नहीं की। क्या मैं ये पूछ रही थी, तो अब दादाजी को खत लिख रहे थे? जी नहीं, कॉलेज के एक मित्र नरेन को लिख रहा था, यहाँ आने के बाद फुर्सत ही नहीं मिली। इसीलिए इतनी लंबी चिट्ठी। हाँ, हम दोनों जो भी सुंदर घटना होती है, जो भी खूबसूरत चीज हम देखते हैं, एक दूसरे को जरूर लिखते हैं। तो अभी किस चीज के बारे में लिख रहे हैं आप? अभी बहुत सी बातें लिखी हैं। मसलन टुंगरी नदी, उसका गहरा नीला पानी, और साल और महुए के लंबे पेड़, इनमें से गुजरती हुई हवा, और आपके बारे में भी लिखा है। मेरे बारे में? जी हाँ, आपकी आंखों के बारे में। रंजना जी, आप नहीं जानती आपकी आंखें मुझे किस चीज की याद दिलाती हैं। किस चीज की? देवी प्रतिमा की। रंजना कुछ दिनों के लिए वहीं रह गई और सत के अनजाने ही उसके मन को कहीं रंग गई। लेकिन सत अपने मन को भुलावा दे रहा था, कठोर कर रहा था अपने मन को, क्योंकि वो जानता था अपने कुल की मर्यादा को, अपने दादाजी को। लेकिन मन क्या इतने सारे तर्क वितर्क मानता है? वो भी इस उम्र का मन जो मुक्त होना चाहता है, जो पास आना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, कुछ सुनना चाहता है। अभी क्या सुनोगे, सुना तो हंसोगे, कहे गीत अधूरा तराना अधूरा, कहे गीत अधूरा तराना अधूरा, जो तुम चुप रहोगे, जो कुछ ना कहोगे, रहेगा सदा ये फसाना अधूरा, कहे गीत अधूरा तराना। तराना अधूरा, कहे गीत अधूरा।
जमीन के नीचे की अनमोल धातुओं को हड़प कर जाना चाहते हैं, जो आजादी के बाद देश की संपत्ति हो जाएगी। नमस्ते दीवान साहब। आइए आइए आचार्य साहब, आप ही का इंतजार था। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। हम आपके काम से बहुत खुश हैं। जी हाँ, बंबई जाते ही आपको तरक्की मिलेगी। खुशी किस बात की, काम तो मैंने किया ही नहीं। थियोडोलाइट ना होने की वजह से नक्शा मैं तैयार नहीं कर सका। आप फिक्र ना कीजिए, नक्शा है हमारे पास। ये लीजिए कलम, जरा घुमा दीजिए इस पे। ये नक्शा किसने तैयार किया? तैयार कहाँ किया, सर्वे ऑफ इंडिया के मोजे नक्शे से बड़ा कर लिए, मेहता जी ने बनाया इसे। तो मेहता जी से क्यों नहीं कहते इस पर कलम घुमा दी? इसलिए कि रजिस्ट्रार चाहता है कि इस पर वही इंजीनियर दस्तखत करे जो बाकायदा ग्रेजुएट हो, और मेहता बेचारा ले दे के सिर्फ ओवरसियर है। और हाँ, इस फील्ड बुक पर भी आपको दस्तखत करने हैं। नहीं मालूम होती है ना, घबराने की कोई बात नहीं, हम इस पर मिट्टी डालकर मैली कर लेंगे, जिससे ये पुरानी भी लगेगी और असली भी। देखिए, जो काम मैंने नहीं किया इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा। बचपना ना कीजिए, लाखों का नहीं करोड़ों का मामला। तो फिर किसी दूसरे को इस काम के लिए ढूंढ लीजिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप, इस वक्त हम किस इंजीनियर को ढूंढने निकलेंगे? सर्वे ऑफ इंडिया के नक्शे में तो कोई नक्श नहीं हो सकता, ऐसे में आपको क्या एतराज है? आप ये एतराज नहीं समझ सकते। अब बचपना छोड़िए ना आचार्य साहब, एक छोटा सा शोशा डाल दीजिए इधर, जब आप यहां से जाएंगे तो मुट्ठी गर्म होगी आपकी, तरक्की की तरक्की और माल का माल। आप मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं? रिश्वत? इसके भी भगवान कृष्ण की तरह 108 नाम है आचार्य साहब। दिल्ली में इसे दस्तूरी कहते हैं, पंजाब में इनाम, बिहार में इथी चलती है, बंगाल वाले से बड़ी खुशी से कहते हैं पान खाने के लिए, तमिल और तेलुगु में सुंदरी को क्या कहते हैं मैं नहीं जानता, क्योंकि आप सच्चाई के पुतले हैं। आपकी खातिर मैं इसका नाम ऑनलेरियम रखे देता हूं। लीजिए, मैंने इसमें रकम इसलिए नहीं भरी कि आप जो चाहे भर ले। अच्छा, तो आप दस्तखत नहीं करेंगे? दीवान साहब, तमिल और तेलुगु में तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन मेरे ख्याल में हर भाषा में इसका जवाब यही है। आचार्य साहब, आप बहुत दिलचस्प आदमी, एक तरह से मुझे पसंद भी है। मैं नहीं चाहता कि आप जल्दबाजी करें, एक बार फिर सोच लीजिए। मिस्टर तलवार, एक दूसरे का वक्त जाया करने से क्या फायदा। नमस्ते। आप सोई नहीं अभी तक, क्या बात है, कुछ कहना चाहती हैं? मेरा क्या होगा बाबूजी, भवानी गढ़ने में घुट घुट कर मर जाऊंगी। रंजना जी, आप बालिग हैं, 19 बरस की हो चुकी है, भवानी घर छोड़कर कहीं चली क्यों नहीं जाती? कहां जाऊंगी बाबूजी, कौन है मेरा इस दुनिया में? आपके दादाजी हैं। हाँ, रुस्तम जी ने मुझे आपके बारे में सब कुछ बता दिया है, उन्हें तो आपके दादाजी का पता मालूम होगा। मालूम तो जरूर होगा, लेकिन वो बताएंगे नहीं। क्यों, क्यों नहीं बताएंगे? माँ ने जिस ड्राइवर के साथ घर छोड़ा था वो ड्राइवर कौन? रुस्तम जी। बाबूजी, आप मुझे अपने साथ ले चलिए, नौकरानी बनाकर, शादी तो आप करेंगे ही, मैं आप दोनों की सेवा करूंगी। पर अभी तो मैंने शादी नहीं की है, कहाँ रखूंगा आप? अपने पास, आप जहाँ भी रहे। नहीं रंजना जी, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, अगर मैं रुस्तम जी के पास रह सकती हूँ। आप सच्चे आदमी हैं बाबूजी। लेकिन दुनिया तो इसे नहीं मानेगी। दुनिया ने मुझे दिया ही क्या है कि मैं उससे डरूं? और फिर मैं तो दुनिया के बाहर हूं। लेकिन रंजना जी, मैं तो दुनिया से बाहर नहीं हूं। आपने ठीक कहा बाबूजी,
मुझसे भूल हो गई। रंजना जी अब तो खुद पर भी भरोसा नहीं रहा मुझे। मैं समझी नहीं। क्या आपको अपने पर भरोसा है? अगर मैं आपको अपनी बाहों में। मुझे मत डराइए बाबूजी, मुझे मत डराइए। रंजना जी आपको भी अपने पर भरोसा नहीं रहा। अगर मैं कहीं जानवर बन जाऊं तो क्या आप अपने आप को बचा सकेंगी? अगर मैं कहूं मैं बचना नहीं चाहती, मुझे मरना ही है, तो आपके हाथ क्यों ना मरूं? रंजना जी जाइए जाइए, जाकर सो जाइए। जाती हूं, लेकिन फिर कभी यह ना बताने आइएगा कि मेरी उम्र 19 साल की है। रंजना, रंजना, रंजना! चल, चल, चलती है या नहीं? नहीं जाऊंगी। चल, नहीं। चल मेरे साथ। नहीं। रुस्तम जी, कहाँ रही? बाबूजी, आपने रंजू बीवी को यहाँ क्यों बंद कर रखा है? कमाल है, तो खुद आई है घूमने के लिए। शट अप! मैं तुम्हारे बॉस से बात कर रहा हूँ। बस बस रुस्तम जी, मैं इसका बॉस हूँ, आप नहीं। चल बैठ गाड़ी में। मैं नहीं जाऊंगी। चलती है या? रुस्तम जी, बाबूजी, मैं इसका बॉस हूँ, आप नहीं। चल। रुस्तम जी, एक बालक लड़की को आप इस तरह नहीं ले जा सकते। किस्मत को दुआ दो बाबू, कुमार बहादुर को यह खबर नहीं कि रंजना यहाँ है, वरना आपकी लाश के टुकड़े टुंगड़ी में बह रहे होते। अब बोल, चलती है नहीं? आप भी चलिए बाबू, कुमार बहादुर ने आपको भी तलब किया है। मैं कुमार बहादुर का नौकर नहीं, जो आधी रात को मुझे उनके हुक्म पर जाना पड़े। ठीक है, आपको रंजन जी को रोक लेना चाहिए था। किस हक से रोक सकता था मैं? कम से कम चले जाते तो बहुत अच्छा होता। क्या अच्छा होता? आज की तारीख का भूल गए सर, पहले अगस्त। कल दिल्ली में जो कुछ भी फैसला हुआ हो कुमार बहादुर के हक में ही, उनके खिलाफ। रंजना जी पर तो बिजली गिरने वाली है। इसलिए वो इधर आई थी, छिप कर रहने के लिए। बहुत बुरा हुआ सर, आज वो बेवस लड़की कुमार बहादुर का शिकार हो जाएगी। बकवास मत करो चटर्जी। सॉरी सर। चटर्जी, मुझे माफ करना। कोई बात नहीं सर, मैं जानता हूं आप मुझ पर नहीं, अपने आप पर नाराज हैं। चटर्जी, चलो भवानी घर चलो। क्या बात है सर, अब आप कुछ नहीं कर सकते, इट्स टू लेट। संजू बीबी,
उनका जी अच्छा नहीं, वो किसी से नहीं मिलेंगे। उनसे कहो मैं मिलने आया हूं। गुस्ताखी माफ हो हुजूर, खुद रुस्तम जी ने हुक्म दिया है कि किसी को भी उनसे मत मिलने देना। वो अपने कमरे में है ना? जी हाँ। हुजूर मेरी बात मानिए, वहां मत जाइए। क्यों, क्या बात है शुभिंदर? कल रात भर उन्हें कमरे में बंद रखा गया। कहां? कहां शिवनंदन? कुमार बहादुर के कमरे में। ठहरो रंजना। क्या चाहिए आपको? आप जरा बाहर आइए, आपसे कुछ हिसाब तय करना है। कैसा हिसाब? जाइए यहाँ से। आप बाहर आएंगे या नहीं? नहीं आओ तो क्या कर सकते हैं आप? ये मत सोचिए मैं कुछ नहीं कर सकता। रंजना के नाना ने जो रिपोर्ट दी थी वो पुलिस के कागजों में अब भी मौजूद है, और वो ड्राइवर कौन है और कहाँ है ये भी मैं जानता हूँ। तो आप ब्लैकमेल करने आए हैं? आप जिंदगी भर उल्टी सीधी हरकतें करते आए हैं, इसके सिवा और सोच भी क्या सकते हैं? आपको अपने पापों का प्रायश्चित करने का मौका देता हूँ। रंजना को मैं अपनी देखरेख में रखूंगा, इसे मुझे अपने साथ ले जाने दीजिए। क्या आप इससे शादी करेंगे? मैं तो इससे शादी नहीं कर सकूंगा, लेकिन किसी आजाद ख्याल लड़के से इसकी शादी जरूर करा दूंगा, और जब तक ये नहीं होता रंजना मेरे पास रहेगी। बोलिए, जवाब दीजिए। जवाब मुझसे लीजिए बाबूजी, उनकी मिन्नत करने से कोई फायदा नहीं, मैं ही इसलिए तैयार नहीं हूं। रंजू ठीक कह रही है बाबूजी, जब आप खुद इसका हाथ पकड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, तो किस हक से आप दूसरे लड़के के साथ इसकी शादी की बात कर रहे हैं? शादी के बिना जिस लड़की को रखा जाता है उसको रखेल कहते हैं। हाँ बाबूजी, दाश्ता। अगर किसी के साथ रहना ही है तो आपके साथ क्यों, कुमार साहब क्यों नहीं? रंजना, मैं ठीक कह रही हूँ बाबूजी, आप तो एक खानदानी घर के लड़के हैं ना, क्यों हमारी इस कीचड़ में कूदते हैं? क्यों एक बेशा की लड़की के लिए मरने दीजिए उसे? रंजना, मैं तुमसे शादी करूंगा। हाँ रुस्तम जी, मैं रंजना से शादी करूंगा। आप ये सोच समझ कर कह रहे हैं? जी हाँ, मैं सोच समझ कर कह रहा हूँ। कल रात जो हुआ उसके बावजूद? जी हाँ, उसके बावजूद। बाबूजी, आपके मन में ये था तो कल रात क्यों ने बता दिया मुझे, क्यों ने रोक लिया इसे? इसे मेरी बुजदिली समझ लीजिए, इसी वजह से तो इसे सब कुछ भुगतना पड़ा। बाबूजी की बात का जवाब मैं नहीं, तू ही दे सकती है बेटी। ऊपर वाला साक्षी है, इस अभागन को बेटी की तरह प्यार किया है मैंने, लेकिन क्या करूं, मैं इतना मजबूर हूं। बाबूजी, अगर आप शादी करने के लिए तैयार हैं तो कुमार के हाथों मेरा कुछ भी हो मुझे परवाह नहीं, मगर आप कसम खाइए कि अग्नि की गवाही में आप इससे शादी करेंगे। मैं कसम खा कर कहता हूं नहीं बाबूजी, ये नहीं हो सकता, ये शादी नहीं हो सकती। रंजना, तुमने सुना नहीं, मैंने कसम खाई है। मुझे माफ कीजिए बाबूजी, ये अब नहीं हो सकता, अब ये नहीं हो सकता। रंजना, रंजना, मेरी तरफ देखो, देखो मेरी तरफ। हमारे कुल में जब कोई किसी लड़की को छूता है उसका मतलब जानती हो, वो उसकी धर्म पत्नी होती है। हाँ रंजना, आज से तुम मेरी धर्म पत्नी हो।
आखिर आया वो दिन जिसकी तरफ हमारे सब देशवासियों की आंखें लगी थी, सन 47 और सन 47 की 15 अगस्त। उसी दिन देश ने सदियों के बोझ तले दबा हुआ सर उठाया और आजादी की खुली हवा में सांस ली। आई वो घड़ी, अपने अंदर भूख, बेकारी, जहालत, मुनाफाखोरी और काले बाजारी को खत्म कर देने के वादे लिए हुए। अब शुरू हुआ नया कर्म यज्ञ, जिसे संपूर्ण करने के लिए हम सब विद्यार्थी बिखर गए एक फूलझड़ी की तरह से। अपने मामा की सिफारिश से मैं एक सरकारी अफसर हो गया। पीटर अगरतला पहुंच गया और कोहली मैसूर। सबकी खबर मिलती थी और ना मिलती थी तो सत्य प्रिय की। हमेशा ऐसा ही सुनने में आता था कि उसने कहीं नौकरी की और छोड़ दी। करीब 3 साल के बाद एक दिन अचानक सच से मेरी मुलाकात हो गई, बल्कि यूं कहिए कि उसने मुझे देख लिया। नरेन, अरे सच, अरे नरेन, तू क्या कर रहा है यहाँ? मैंने तुझे पहले देखा है। तू क्या कर रहा है? क्या कर रहा है मेरे इलाके में? अच्छा, तेरी चचा का इलाका। मैं यहाँ एक डेवलपमेंट प्रोग्राम के सिलसिले में आया। अच्छा बता, तू क्या कर रहा है? मैं यहाँ ब्रिज बना रहा हूँ, शाह एंड मेहता में वर्किंग पार्टनर। अच्छा। लेकिन तेरा भी जवाब नहीं, 3 साल हो गए, एक भी चिट्ठी नहीं लिखी। कहाँ है, क्या कर रहा है? आखिरी खत तूने क्या कहते हैं वो भवानीगढ़ से? नरेन, पिछले 3 साल सारा उलझन में गुजरे। देख, तू शाम की गाड़ी से चला जाना, घर चल, तेरी भाभी तुझे देखेगी तो बहुत खुश होगी। चल। भाभी? किसके भाभी? तेरी। मेरी? बीवी किसकी? बीवी मेरी। ए रास्कल, तूने शादी की और अभी तक मुझे खबर नहीं दी। शादी अचानक करनी पड़ी। तू घर तो चल रहा, चल सब कुछ बताता हूँ। अरे सुनो सुनो, ये तो मेरा वही दोस्त है नरेन। आती हूँ। सच? तेरी शादी हुए कितने साल हुए? 3 साल। समझ में नहीं आता, 3 साल की शादी के बाद भी कोई बीवी अपने मियाँ की आहट, मेरा मतलब इस जीप की आवाज सुनकर इस तरह भागकर बाहर आ जाती है। शर्म मत दिखा। आ तुझे ब्रिज देखो। ये है चंदा ब्रिज। कौन सा कंस्ट्रक्शन है? कैंटिलीवर। लेंथ क्या होगी? 1800 फीट। 1800 फीट। अच्छा, चाय भाई पिलाएगा कि नहीं? तेरी भाभी चाय लेने गई। हाँ बैठ। उन्हें कैसे मालूम हुआ मुझे चाय की जरूरत है? वो तेरे लिए नहीं, मेरे लिए चाय लेने गई। तेरे लिए? हाँ। तू कब से चाय पीने लगा? चाय ही नहीं, मैंने सिगरेट भी पीना शुरू कर दिया। अच्छा, तरक्की कर रहा है। नमस्ते भाभी। ये नरेन है मेरा सबसे प्यारा दोस्त, और ये मेरी पत्नी रंजना। इनका नाम रंजना नहीं। भाभी जी, आपका नामकरण हमने बहुत पहले से ही कर दिया था, आपका नाम है स्वाति। अरे अभी तक याद है तुझे? ये बताइए, चित्रा की क्या खबर है? चित्रा? हाँ हाँ, चित्रा। आपके आकाश पर अभी तक उदय हुई? उदय? भाभी जी, ये पूछे मेरे सर पे चमकी। आया? कितनी? इसे 2 चम्मच। ये बच्चा? ये मेरा है। 1 मिनट है। चाय, सिगरेट, शादी, बच्चा, इसके अलावा और भी कुछ है तो अभी से बता दे, आखिर आदमी एक दिन में कितने झटके खा सकता है। लड़का है या लड़की? जा पास जाके देख। लड़का है। 1 मिनट। क्यों रे बच्चू, पहचाना मुझे? हा? मैं तेरा चचा हूँ। जितना तूने अपने बाप को नहीं देखा उतना मैंने देखा है। हा? मैं हूँ ना तेरे बाप का सबसे बड़ा दोस्त। अगर ये बात कर सकता तो जरूर कहता। अच्छे दोस्त हैं आप, जो 3 साल से शक्ल भी नहीं दिखाई। हाँ हाँ हाँ, भाभी अभी से इसे उल्टी पट्टी मत पढ़ाइए, झगड़े की बात मत सिखाइए, काफी उम्र पड़ी है इसके लिए। भाभी, एक दिन ये बहुत बड़ा आदमी बनेगा। क्या आप ज्योतिषी भी हैं? ज्योतिषी की क्या जरूरत है, देखिए ना, साफ बाप की शक्ल है, हूबहू सत का चेहरा। सत, कितनी खुशी हुई आज तुझसे मिलकर, यूं लगा जैसे फिर वही पुराने दिन आ गए अपने।
अरे हाँ दादाजी कैसे हैं? दादाजी ठीक हैं, अपने गुरुकुल के काम में जुटे रहते हैं। आजकल मुझसे तो उन्होंने रिश्ता ही तोड़ रखा है। रिश्ता ही तोड़ रखा? हाँ, जब रंजना के बारे में मैंने उन्हें बताया, उसे कबूल नहीं कर सके। ओ गॉड, रंजना के बारे में सब कुछ दादाजी को बताने की क्या जरूरत थी? रंजना ने भी यही कहा था, लेकिन एक बात तो भूल जाता है नरेन, अगर मैं जानबूझकर दादाजी से सच को छुपाता तो ना सिर्फ झूठ बोलने का अपराधी होता बल्कि उनके साथ अन्याय भी करता। लेकिन वो सच क्या जिसके पीछे शिवम न हो, सुंदरम न हो, वो सच जिसे किसी के मन को ठेस पहुंचे, क्या तू उसे सच कहेगा? ऐसी बातें बुजदिल क्या करते हैं नरेन। सच बोलने वाले में अगर दुख सहने की हिम्मत है तो दुख देने की हिम्मत भी होनी चाहिए। सच्चाई एक अंगारे की तरह है, इसे हाथ पर रखो और हाथ ना चले ये नहीं हो सकता। फिर भी मुझे विश्वास है सच, अगर दादाजी ने तेरे बच्चे को देख लिया होता तो वो इतने कठोर नहीं होते। तू सारी कहानी सुनना चाहता है तो सुन। रंजना से शादी करने के बाद मैंने तय किया कि सबको साथ ले जाऊं और दादाजी से सब कुछ कह दूं। पहली में बैठे हुए हम लोग गांव पहुंचे तो दादाजी मंदिर के बाहर बैठे किताब पढ़ रहे थे। दादाजी, दादाजी। कौन? मैं सतप्रिय। अरे तू, क्या हुआ? बाहर क्यों खड़ा, अंदर क्यों नहीं आता? दादाजी मैं ठहरो। कौन हो बेटे? लड़की कौन है रे? मेरी पत्नी है दादाजी। तेरी पत्नी? तूने विवाह कब किया? ये कोई 8 महीने पहले। ओ, तो फिर तूने उसे मेरे पैर क्यों नहीं छूने दिए? मैं अपने घर की मान मर्यादा जानता हूँ दादाजी, मुझे मालूम नहीं आप उसे स्वीकार करेंगे या नहीं। क्यों, क्या बात है? इसे पता नहीं इसके पिता कौन थे। तूने ऐसी लड़की से विवाह कर लिया? बच्चा? बच्चा मेरा ही है। तूने अभी कहा कि तेरे विवाह के 8 महीने हुए। अपने पाप, अपने व्यभिचार पर पर्दा डालने के लिए तुझे विवाह करना पड़ा। मैंने जिंदगी में कभी कोई पाप नहीं किया दादाजी, बच्चा मेरा ही है पर मुझसे नहीं। तुम आचार्य कुल के होकर अच्छा किया जो तुम अंदर नहीं आए। बहुत अच्छा किया जो 14 पीढ़ियों से चली आने वाली इस घर की पवित्रता को तुमने मलिन नहीं किया। उसके बाद जब ही मैंने मनी ऑर्डर भेजा, दादाजी ने उसे वापस लौटा दिया। सत्य, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। तूने कहा था बच्चा मेरा है चाहे मुझसे ना हो। मतलब साफ है नरेन, वह 1 अगस्त की रात थी जब रियासत के कुमार ने रंजना की इज्जत। रंजू? हाँ? क्या बात है, कुछ कहो जी। कहो ना। तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा। किस बात? यही जो नरेन भैया कह गए, तुम्हारी शक्कर और काबुल की शक्कर। ऐसा लगता है तुम्हें बहुत दुख। हाँ, ये दुख मेरा ही तो है। मैं अभागन शुरू से ही जो दूसरों का पाप भुगत रही हूँ।
इसमें तुम्हारा क्या दोष? पर सजा तो मुझे मिल रही है ना रंजना, मैंने भूले से भी कभी कोई ऐसी बात की है जिससे तुम्हारे सम्मान को? बस और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में। क्या मैं नहीं जानती, जब भी तुम मेरे करीब आए, मुझे बाहों में लेना चाहा, तो कौन आ जाता है हम दोनों के बीच में? क्या मैं नहीं समझती वो क्या है? मैं तो पिछली जिंदगी को भूलना चाहती हूँ, लेकिन ये सब बातें जाने दो रंजना। तुम जानती हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसीलिए तो कभी कभी जी चाहता है अपने आप को खत्म कर दो, फिर एक नया जन्म, नया शरीर, नई आत्मा लेकर आऊं तुम्हारे पास, नई कदमों में। को बाकी मजदूर मिल गई? नहीं सर। क्यों? कई महीने से हमारे बिल पड़े थे ना सर। तो बेचारे मजदूरों का क्या कसूर है? आप अफसर को नाराज कर दिया ना, छोटे से आपके बच्चे के जन्मदिन पर ना तो आप गए, ना तो सेठ जी को भेंट ही भेजने दिया। इन सब बातों से हमारे बिल्स का क्या वास्ता है? पूजा और प्रसाद का वास्ता सर। तो गुस्ताखी माफ हो सर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, लोगों का हिसाब किताब मिटा दिया जाए तो सब कुछ आसान हो जाएगा। आप मेरे साथ आइए। अरे अरे अरे, क्या भाग्य है हमारे, आचार्य साहब खुद चल के हमारे दफ्तर में। हमारे बिल पास क्यों नहीं हुए जी? पहले बैठिए तो सही। हमारे बिल पास क्यों नहीं हुए? असिस्टेंट इंजीनियर साहब, आपसे कुछ पर्सनल दफ्तर का वो पर्सनल का क्या मतलब? हमने बिल भेजे, हमें दफ्तरी तौर पर जवाब चाहिए। अब जाइए, जाकर पूछिए बिल क्यों नहीं पास हुए। जी अच्छा। ओसे बाबू, आप आज ही चिट्ठी टाइप कीजिए, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हम आज ही काम बंद कर सकते हैं, और जरूरत पड़ी तो मैं डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर से भी मिलूंगा। बिल पेमेंट के लिए तैयार है सर, अगर चाहे तो आज ही फैसला हो सकता है, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन कुछ ऊपर नीचे की बातें हैं, आप इंजीनियर साहब से मिल लीजिए, सब कुछ फैसला हो जाएगा। देखिए बिल मैंने खुद देख कर भेजे हैं, एक तजुर्बाकार अकाउंटेंट ने उनकी छानबीन की है, बिल में कोई गलती नहीं हो सकती। इसमें गलती की कोई बात नहीं है सर, कोई ऊपर नीचे, कोई काट छाट, इसमें कोई समझने की गलती भी तो हो सकती है। इसका मतलब है बिल पास नहीं होंगे। आप खुद समझदार है, आप समझ लीजिए। जाकर एई साहब से कह दीजिए कि अगर दो दिन के अंदर अंदर बिल पास नहीं हुए तो मैं हाईएस्ट अथॉरिटी तक पहुंचूंगा। हाईएस्ट अथॉरिटी? उरी बाबा, हाईएस्ट अथॉरिटी तो भगवान ही है आचार्य साहब, इस दुनिया में भगवान ही आपको बचा सकते हैं। आचार्य साहब, आचार्य साहब। क्या बात है मेहता साहब? कुछ मत पूछिए, गजब हो गया, मिनिस्टर साहब खुद आदम के हैं और हमें फौरन बुला भेजा है। तो इसमें घबराने की क्या बात है, मुझे मालूम है। मालूम है? हाँ, मैंने ही उन्हें आने के लिए लिखा। मर गया, आपने लिखा था सीधे मिनिस्टर को, लेकिन क्यों? आई डोंट वॉन्ट टू हियर एनी एक्सप्लेनेशन फ्रॉम यू। द ब्रिज मस्ट बी फिनिश्ड बिफोर जून। वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट सर। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ ट्राइंग ऑफिसर, आई हैव टोल्ड यू वंस, इट मस्ट बी फिनिश्ड बिफोर जून। सर, ब्रिज कॉन्ट्रेक्टर और उनके इंजीनियर आए हैं। उन लोगों को अंदर भेजिए और आप लोग जरा बाहर जाइए। नमस्ते, आप बैठिए। हम बैठे। आपकी चिट्ठी मिली है, आपको कुछ कंप्लेन है, लेकिन क्या शिकायत है उसका तो कोई जिक्र नहीं है उसमें। जी हाँ, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका चिट्ठी में जिक्र करना मुश्किल है, इसलिए आपसे मिलना चाहता था। ठीक है, कहिए। डरने की कुछ बात नहीं है, सच सच बताइए। क्या हुआ, आप हंसते क्यों हैं? सर, इसलिए हंस रहा हूं कि आजकल लोगों को वाकई डर डर की सच बोलना पड़ता है,
लेकिन मैं सच बोलते वक्त ना कभी डरा हूं और ना डरूंगा। That's very fine. सर बात यह है, काम तो मैं शेड्यूल से पहले खत्म कर सकता हूं, लेकिन यहां के ऑफिसर्स रुकावट बन रहे हैं। मतलब? वो लोग मेरे बिल्स पास नहीं करते। क्यों? यहां के असिस्टेंट इंजीनियर रिश्वत चाहते हैं। तो आपने डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर से क्यों नहीं कहा? उन्हें भी रिश्वत चाहिए। उनके ऊपर भी तो ऑफिसर्स हैं। सर इन सब के ऊपर तो आप हैं ना, आज मैं आपसे कह रहा हूं। अब देखिए आप क्या करते? ठीक है, जिन लोगों के खिलाफ आपको शिकायत है उन लोगों का नाम आप लिखकर मुझे दे दीजिए। सर वो लोग क्या लिखकर रिश्वत लेते हैं जो मैं आपको उनके नाम लिखकर दूं? अभी देखिए, बिना सबूत बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के खिलाफ इतना बड़ा इल्जाम आप कर रहे हो तो उनका इम्प्लीकेशंस आपको मालूम है। कभी ऐसा ना होवे कि मुझे आपके खिलाफ कुछ कार्रवाई करनी पड़े। जरूर कीजिए, बाय ऑल मीन्स। देन माय लॉयर वुड आस्क यू क्वेश्चंस इन कोर्ट ऑफ लॉ व्हिच आई कैन नॉट। व्हाट व्हाट डिड यू से? यस सर, तब अदालत में खड़े होकर आपको मेरे बैरिस्टर के सवालों का जवाब देना होगा। यू मे बेटर गो। हुजूर बात यह है कि मैं आप भी जाइए। अच्छा रे साहब, आप जानते हैं आपने किससे बातें की? हाँ जान। सुनिए, हम ऐसा दफ्तर में आइए। यह आपने क्या किया? इतने बड़े आदमी के सामने इस तरह बोला जाता है? तो सच किस तरह बोला जाता है? देश आजाद हो गया तो क्या एक मिनिस्टर से भी आप ऐसा कह सकते हैं? मिनिस्टर जनता का प्रतिनिधि होता है, जनता के दुख सुख का ख्याल रखना उसका फर्ज है। जनता का दुख सुख देखने के पहले मेरे दुख सुख का ख्याल रखना चाहिए। मेरे 3 लाख रुपए फंसे हैं, क्या मैं आपके लिए ब्लैक लिस्टेड हो जाऊँ? आपको अभी जाकर उनसे माफी मांगनी पड़ेगी। क्या कहा आपने? माफी? हाँ हाँ माफी। क्या आप चाहते हैं कि मेरा सत्यानाश हो जाए? जी नहीं, पहले मैं कंपनी से अलग हो जाता हूँ, उसके बाद जो जी चाहे आप कीजिए। अलग हो जाता हूँ मतलब? कंपनी ज्वाइन करते वक्त मैंने आपसे कह दिया था कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मैं नहीं कर सकूंगा, माफी मांगना भी उनमें से एक है। अरे ये तो पागल है, एकदम पागल। आप? हाँ बेटा, मुझे तुमसे दो एक बातें करनी है। जी कहिए। ये जो मैं तुम कह के बुला रहा हूँ इसका बुरा नहीं मानना, तुम मेरे बेटे जैसा। बुरा क्यों मानूंगा? बेटा जिंदगी में तुम बहुत दुख देखोगे, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा ये दुख और दर्द ही तो हमारी आखिरी उम्मीद है, इसी पर हमारे भविष्य की नींव रखी है। मैं नहीं जानता मुझे तुम्हें आशीर्वाद देने का हक है या नहीं, लेकिन उम्र में बड़ा और बूढ़ा होने के नाते मैं दुआ करता हूँ परमात्मा तुम्हारी इस बहादुरी को हमेशा कायम रखे। फिर शुरू हुआ उसके जद्दोजहद का एक नया दौर। उसे बहुत सी जगहों पर काम मिला, मगर हर जगह उसकी एक ही धुन सच्चाई आड़े आ जाती थी। वह कहीं भी टिक न पाता था, कहीं भी उसकी समाई न होती थी। कभी कभी उसकी चिट्ठी आती तो यूं लगता कि उसने अब सारी दुनिया से टक्कर लेने की ठान ली है। बाज़ वक्त ऐसा मालूम होता कि उसका झगड़ा दुनिया के साथ ही नहीं खुद अपने साथ भी है।
कहीं काम करते हुए एक दिन उसने किसी आदमी को रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। मुझे माफ कर दीजिए सर, मैंने बहुत बड़ा पाप किया, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। मैं आपके पैर पड़ता हूँ सर। शर्म नहीं आती ये सब कहते हुए? बड़े बाबू, फिलहाल मैं विनय बाबू को सस्पेंड करता हूँ। सर आप पूरी डिटेल के साथ इनके केस का ड्राफ्ट बनाइए। मैं भगवान की शरण लेता हूँ सर, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। आप मेरे घर चलकर देख लीजिए, अगर आप ऐसे में मुझे नौकरी ज्यादा देंगे तो मुझे खुदकुशी करनी पड़ेगी। खुदकुशी कैसे ज्यादा बुरी होती? एक आजाद देश के रहने वाले होकर आप रिश्वत लेते हैं, शर्म आनी चाहिए। सर सर विनय बाबू आप तो नहीं जानते। सुनो, ये तुमसे मिलने आई है, पीछे डी क्वार्टर्स में रहती है, विनय बाबू की पत्नी है। आज तुमने इनके पति को, इन्हें यहां नहीं आना चाहिए था। माफ कीजिए, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। ये देखिए, मेरा बच्चा 10 दिन से बुखार में तप रहा है, घर में दवा है ना दारू, और ना ही कुछ खाने के लिए। ऊपर से डॉक्टर ने ढेर सारी दवाइयां लिख दी, पर यहां फूटी कौड़ी भी नहीं। ये रिश्वत लेने का हक तो नहीं हो जाता? पाप की सजा तो भुगतनी पड़ेगी। मैं कुछ नहीं कर सकता। आपसे एक बात पूछूं, मैं मानती हूं उन्होंने पाप किया है, लेकिन हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं, एक दूसरे के सुख दुख के भागी। मगर आप लोगों को खबर तक नहीं कि मेरा बच्चा बिना दवा के बढ़ रहा है। क्या इसमें आप लोगों को कोई पाप नहीं लगता? हाँ पाप तो है। एक बच्चा बिना दवा के पल पल तिल तिल करके मर रहा है, तो क्या इसमें राजा को कोई पाप नहीं लगता? क्या सजा दे रहे हैं आप अपने आप को? राजा को इसकी क्या सजा दे रहे हैं? जानती हूँ आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि वो आपसे बड़ा है। मेरे पति को सजा दे सकते हैं, क्योंकि वो आपके मुकाबले में कमजोर है। आपके पास ताकत है, क्या हाथ में ताकत रखने का यही मतलब होता है? मैं आपसे सिर्फ यही पूछती हूँ। बड़े बाबू कहाँ भाई? मैं आचार्य। सर आप? हाँ जरा दफ्तर में आइए। सर आप इस वक्त? विनय बाबू वाली चिट्ठी भेजी हेड ऑफिस जी, कल सुबह पहली डाक से भेज दूंगा। वो चिट्ठी मेरे पास नहीं है जी। बहुत अच्छी। इसकी जगह ये चिट्ठी भेज दीजिए। ये क्या सर, आप इस्तीफा दे रहे हैं? हाँ बड़े बाबू। लेकिन क्यों? ये मैं आपको समझा नहीं सकूंगा। जिसे सजा देने का हक है उसमें रक्षा करने और पालने की ताकत भी होनी चाहिए। इस कुर्सी पर बैठा हूं तो जुर्म की सजा तो देनी ही पड़ेगी, लेकिन ये सजा मैं दे किसे रहा हूं? उस मासूम बच्चे को जो बिना दवाई के मर रहा है, उस बेचारी अबला को जो, इसमें लोगों का क्या दोष है? समझ नहीं आ रहा। ये सजा मैं अपने आप को ही दे सकता हूं। नमस्ते बड़े बाबू। इसके बाद उसकी चिट्ठियां भी कम आने लगी। ऐसे ही कभी कभार बरस एक में दो चार, कुछ उनके जरिए और कुछ औरों की जबानी खबर मिली, उस पर बहुत कड़ा वक्त गुजर रहा है। जिस कारण मैं तरक्की करता ऊपर ही ऊपर जा रहा था, उसी कारण सतप्रिय नीचे ही नीचे। हालात के साथ सुलह न करना, छोटी छोटी बातों से आंख बंद न करना। इसी समय अचानक एक दिन मैं बीवी के साथ शॉपिंग करके घर लौट रहा था। ए!
मैं सच देख रहा हूँ या सपना? भयानक सपना। कहाँ था इतने दिन तक? अरे सुनो, यही है वो जिसने तुमको आसमान का सितारा बना दिया था। अरे वही जिसने तुम्हारा नाम चित्रा रख दिया था। ओफो बाबा, ये सतप्रिय है, वही सतप्रिय। नमस्ते भाभी। कब आए थे? यही एक डेढ़ घंटा हुआ। डेढ़ घंटा? मुझे पता होता तो बाहर ही नहीं आता मैं। अच्छा आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय। नहीं भाभी, आपके भाई साहब ने ठंडा पिला दिया मुझे। अच्छा तुम ये सामान ऊपर रखे हो जल्दी। अच्छा सुन, वहां बैठते हैं, आराम से। सबसे पहले ये बता, इतने दिन तू कहां था? कहां काम कर रहा है? भाभी कहां है? काबुल कैसा है? वो सब लोग जनकपुर में हैं और मैं आजकल बेकार। ये नौकरी क्यों छोड़ी तूने? नरेन, ये सब बताना आसान भी है और मुश्किल भी। फिर चोरों का सामना करना पड़ा। ये क्यों नहीं कहता? तेरे नीचे पहिए लगे हैं, कहीं भी टिकना नहीं चाहता। तू समझता मैं नहीं चाहता? तो फिर समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिमाग खराब हो गया है, मैं सिनिक हो गया हूँ या ये दुनिया बदल गई है। नरेन, याद है वो दिन आजादी से पहले हम क्या क्या सपने देखते थे? तब तो ये नाच था कि हम अंग्रेज के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन अब तो हम एक दूसरे के साथ लड़ने लगे हैं। अच्छाई बुराई तो हर जमाने में होती है, लेकिन आजकल तो ऐसा लगता है कि हम लोग बुराई में एक दूसरे का मुकाबला करने लगे हैं। तू जानता है, पिछली नौकरी में जब मैं सच्चाई के लिए लड़ा तो उन लोगों ने उल्टा मुझ पर चोरी का केस बना दिया। साल डेढ़ साल ढीठ की तरह यह केस लड़ता रहा। केस में जीत तो गया, लेकिन तेरी भाभी के जेवर तक बिक गए। हमारे इर्द गिर्द हर चीज सड़ती जा रही है, ना किसी का धर्म रहा है ना ईमान। नरेन, मेरा तो जी चाहता है हाथ में चाबुक ले लूं, दाएं बाएं सबकी खा लूं। फिर मत जल अपने गुस्से की आग में। ये गड़बड़ तो हमारे सोशल सिस्टम में है, हमारी पूरी मशीनरी में है। बस ये कसूर हमारी मशीनरी, हमारे सोशल सिस्टम का है, हमारा कोई दोष नहीं। एक इंसान के नाते अपने देश की तरफ हमारा कोई फर्ज नहीं। ये हमारा कौमी कैरेक्टर ही बन गया है कि अपने इल्जाम दूसरों के सर डाल दे। असल बात यह है नरेन कि 200 साल की गुलामी ने हमारा हुलिया ही बदल दिया है। सच मैं मानता हूं तू ठीक कहता है, लेकिन तू अकेला क्या कर सकता है? नहीं, मैं अकेला नहीं हूं, और अगर मैं अकेला होता तो भी यही करता जो मैं आज कर रहा हूं। इसमें नुकसान तो तेरा ही हो रहा है ना? नुकसान? अगर सर झुकाता झुकाता दलदल में धस जाता तो नुकसान नहीं होता। लेकिन सच जिंदा रहने के लिए बहुत सी चीजों के साथ सुलह तो करनी ही पड़ती है। नहीं, नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। मैं इंसान हूं, भगवान की सबसे बड़ी सृष्टि, मैं उसका प्रतिनिधि हूं। किसी अन्याय के साथ सुलह नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। क्या हुआ भाभी? घबराई नहीं भाभी, कुछ नहीं, बहुत दिनों के बाद मिला है ना, जरा भाषण दे रहा था। ए, मन करो इच्छक। अरे हाँ, मुझे तो जाना है। जाएंगे कैसे, खाना नहीं खाएंगे? नहीं भाभी, रात की गाड़ी से जनकपुर पहुंच जाए। अरे हाँ, मैं तुझे बहुत जल्द हैरान करने वाला हूँ, बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला। कैसा सरप्राइज? अरे गधे, अब बता दे तो सरप्राइज क्या रहेगा? अब तेरी कोई बात मुझे सरप्राइज नहीं कर सकती। देख लेना, चलता हूँ मैं। सर, मैं इसे छोड़ के आता हूँ। ये तकल्लुफ कब से बरतना शुरू किया? आराम से बैठ, मैं चलता हूँ। मेरे ख्वाबो ख्याल में भी नहीं आ सकता था कि वो मुझे यूं हैरान कर देगा। एक नए डिवीजन में मेरी बदली हुई, एक डिविजनल इंजीनियर की हैसियत से। आइए आइए सर, मैं आपका क्लर्क हूँ। बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ आ गए। आप जैसे यंग ऑफिसर्स को देख के बड़ी खुशी होती है। आप इस ऑफिस में कितने साल से काम कर रहे हैं? करीब 20 साल गुजर गए हैं सर। 20 साल? फिर आपसे तो काफी मदद लेनी होगी। यूँ इस डिविजन में कोई खास गड़बड़ी नहीं है। वो राधारापुर का जो रास्ता निकल रहा है ना, वहाँ पर कुछ मुकदमेबाजी चल रही है। खैर उसका तो मुझे पता है, कोई खास बात नहीं। और एक नई झंझट खड़ी हो गई सर, वो नुकुलपुर यहाँ से 40 मील दूर वहाँ पर एक नए ये आए हैं, वहाँ उनका आते ही वहाँ पर कुछ गड़बड़ी शुरू हो गई। गड़बड़ी? जी हाँ सर, वो बात बात में कानून दिखाते हैं। वहाँ पर सबसे मुठभेड़ हो चुकी है। एक दिन यहाँ आए तो पूरी गीता सुना गए। कोई नए रिक्रूट हैं क्या? रिक्रूट तो नए हैं सर, लेकिन घाट घाट के पानी पिए हैं। क्या नाम है उनका? कोई आचार्य, सत्यप्रिय आचार्य। क्या नाम बताया था? सत्यप्रिय आचार्य। नहीं मिस्टर लाडिया, मैं ये बिल्डिंग पास नहीं कर सकता।
लेकिन मिस्टर आचार्य अब तो काम खत्म होने को आया है और आपके पहले जो यही थे वो पास कर गए हैं। उन्होंने गलती की है, मैं ये गलती नहीं कर सकता। इट्स सब स्टैंडर्ड। ठीक है, हर आदमी के काम करने के तरीके जुदा जुदा होते हैं और मेरा फर्ज है आपको खुश करना। अरे ये क्या कर रहे हैं? मैंने आपके लिए चाय मंगाई, आप क्यों पैसे दे रहे हैं? मैं सरकारी आदमी हूं, इस वक्त ड्यूटी पर आया हूं। आपके पैसों से चाय पी तो। नमस्ते मिस्टर लाडी। साहब बहुत पहुंचा हुआ है सर, 1-2 हजार में नहीं पटेगा। हर आदमी की अपनी अपनी कीमत होती है और इन्हें तो संभालना ही पड़ेगा क्योंकि मेरा 52 हजार का सप्लीमेंट्री बिल इन्हीं के हाथ है। बहुत मुश्किल है सर, सुना है ये आदमी बहुत ही बदमाश और एक नंबर का पाजी है, रिश्वत वगैरह नहीं खाता सर। ये भी कहिएगा एक कप चाय की सख्त जरूरत है। बहुत अच्छा सर। गुड आफ्टरनून सर। अरे सर तू। लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ, आई एम योर न्यू एई। छोड़ क्या मजाक है, ये ले सिगरेट। थैंक यू। ऑफिस में तेरा नाम सुनकर मैं तो छौंक गया, लेकिन तूने ये नौकरी क्यों ले ली? क्या तो कह दो स्मोकर्स कॉल। आई एम सॉरी सर। देख ये सर सर कहकर मेरा सर मत खा। आप मेरे बॉस हैं। पहले मैं तेरा दोस्त हूं। दोस्त जरूर है लेकिन दफ्तर के बाहर, यहां मेरे। ये खांसी का दौरा कब से शुरू हुआ? किसी डॉक्टर को दिखाया है? नहीं दिखाया था, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ेगा। फिर क्यों नहीं दिखाया? वक्त ही नहीं मिला, फुर्सत मिलते ही जाऊंगा। सर आपको मिसेज आचार्य ने ऊपर बुलाया, आप जाइए मैं आता हूँ। आओ सर सब एक साथ चाय पीते हैं। मुझे थोड़ा काम है। अच्छा जल्दी खत्म करके ला जाना है। भाभी। नमस्ते भाभी। नमस्ते भैया। अरे बाप रे इतना बड़ा हो गया बेटा। भाभी आप इसकी माँ नहीं बहन लगती हैं। साबुन ये तुम्हारे चाचा जी हैं। जी तेरा बेटा। भाभी काबुल का नार क्या लगा रखा है? ये काबुल नहीं काबिल है, काबिल। जा बेटा खेल और देख, सीधे खेल के मैदान में जाना, दफ्तर में जाकर बाबूजी से बातें नहीं करना। अच्छा माती आप तुम्हें भैया कहती है ना? हाँ बेटा। तो ये मेरे चाचा कैसे है? मेरे तो मामा हुए। बेटे रिश्ते में चाचा ही हूँ, शक्ल से मामा लगता हूँ। जा बेटा। ये क्या भाभी आप लोग आ रहे हैं या जा रहे हैं? सामान खोलने ठिकाने की फुर्सत ही नहीं मिली, लेकिन आपको बिठाओ कहाँ, घर में कुर्सी भी तो नहीं। एक मिनट में नीचे से कुर्सी मंगवा लेता। नहीं नहीं आप ऐसा मत कीजिए, आप यहीं बैठ जाइए। क्या बात है भाभी? कल पड़ोस से कुछ लोग मिलने आए तो चपरासी नीचे से कुर्सी ले आया, ये उस पे ऐसा बरसे कि वो बेचारा सर से पांव तक पसीने से भीग गया। कहने लगे सरकारी सामान घर में इस्तेमाल करने के लिए नहीं। सत्य रहा वही का वही, खरा पासे का सोना। वही तो, पासे का सोना सोना ही रहता है, जेवर नहीं बनता। जेवर बनाने के लिए थोड़ा सा खोट दो, इतना सदाचारी ऑफिसर किसी से भी नहीं बर्दाश्त होता। बात बात पे झगड़ा मोल ले लेते हैं, ऊपर नीचे वाले सबको नाराज कर लेते हैं,
इसीलिए तो किसी नौकरी में टिक नहीं सकते। और तो और भैया, अब तो ये रेडियो के साथ भी झगड़ा करने लगे। रेडियो के साथ? हाँ, मैं तो रोती हूँ, आप सुनेंगे तो हंसेंगे। जब रेडियो पे कोई कहता है फलाने प्लान के लिए इतने करोड़ रुपए मंजूर हुए, तो ये बंकार उठते हैं। इनमें से कितने करोड़ किसकी पॉकेट में जाएंगे? रेडियो इनकी बात पर कान नहीं धरता, वो अपनी बकबक किए जाता है और ये अपनी। जाने कब तक चलेगा ये सब, अब तो मुझे डर लगने लगा है। इस भरे पूरे संसार में कोई भी तो नहीं अपना। नहीं भाभी, ऐसा मत कहिए। मैं क्या मर गया हूं? आपको मालूम है, जैसे मुझे पता चला सत यहाँ है, मैं बकतूर भागा चला है। खैर, ये बातें तो होती ही रहेंगी। बताइए, चित्रा बहन कैसी है? चित्रा ठीक है, लेकिन भाभी आजकल वो मेरी तरफ इतना सा भी ध्यान नहीं देती। क्यों क्यों, ऐसा क्यों? उसने कन्या रतन को क्या जन्म दे दिया समझते, एक बहुत बड़े पहाड़ को काट लिया, नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। बस इसी खुशी में दिन रात खोई रहती है। ओ माँ, अब बेटी के प्यार से जलने लगे? थोड़ा सा जलने लगा हूँ, लेकिन उसे सजा देने की एक तरकीब मुझे सूझी, अगर आप मेरी मदद करें तो। मैं क्या मदद करूँ? अभी अभी ये बात मेरे दिमाग में आई। अब बात ऐसी है भाभी, जो कह भी नहीं सकता और बगैर कहे रहा भी नहीं जाता। तो फिर कह ही डालिए। कह दो भाभी, उस कन्या रतन को आप रख लीजिए। मैं? हाँ, इतनी जल्दी नहीं, 15-16-17 साल के बाद। अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो अपने काबुल की शादी उसी के साथ हो जाए। अरे भाभी, इसमें घबराने की कोई बात नहीं, वैसे देखने में इतनी बुरी नहीं है वो। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं उसका बाप हूँ, हम दूसरे लोग भी कहते हैं काफी खूबसूरत है वो, और फिर अपना घर भी अच्छा है। इसीलिए तो। इसीलिए तो क्या मतलब? घर अच्छा है, जाने दीजिए सब बातें। ओ, समझा। क्या क्या समझे आप? भाभी, सत मेरा सबसे प्यारा दोस्त है, और दोस्ती का रिश्ता खून के रिश्ते से भी बड़ा होता है। उसने मुझे सब कुछ बता दिया है, आपके बारे में और काबुल के बारे में भी। इस तरह मेरी तरफ मत देखिए भाभी, मेरा अपमान मत कीजिए। मैं सत और उसके परिवार से प्यार करता हूं। ये सब जान लेने के बाद मेरे दिल में उनके लिए इज्जत और बढ़ गई। भाभी, इसी प्यार पर मोहर लगाने, अपना ही सम्मान बढ़ाने के लिए मैं तुमसे ये विनती करता हूं। ये लो, सोचा था गर्मा गर्म चाय पीऊंगा और तुमने रोना शुरू किया, अच्छा मजाक है ये। मैं चाय बना के लाती हूँ, अब बैठिए। ठीक है, तुम चाय बना के लाओ, मैं सत को लेके आता हूँ। नहीं नहीं, वो अभी ऊपर नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएगा, इतने दिनों के बाद मिला हूँ। मैं कह रही हूँ ना, वो 5:30 के पहले दफ्तर से नहीं उठेंगे। अरे उसके बड़े भी उठेंगे, गर्दन पकड़ के ले आऊंगा। भाभी, तुम्हारे साथ कैसा भी हो, मेरे सामने वो दम नहीं मार सकता। अभी लेके आता हूँ। सर, चल चाय तैयार है, ऊपर जरा डक के गप लड़ाएंगे। सॉरी, मुझे काम है। मैं जानता हूँ क्या काम है, इसे थोड़ा पीछे डालने से महाभारत अशुद्ध नहीं हो जाएगी। चल, मुझे माफ करना होगा। देख, तूने अभी अभी कहा था ना मैं तेरा बॉस हूँ, तो मैं तुझे ऑर्डर करता हूँ। चल। गलत ऑर्डर मानने के लिए मैं तैयार नहीं, मेरे भी कुछ आदर्श है जिनके लिए मैं। टू मच ऑफ एनीथिंग इज बैड, किसी भी चीज की अति बुरी होती है। मैं जानता हूँ ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन आप गलत जानते हैं सर। पॉलिसी के हिसाब से ऑनेस्टी नहीं, डिसऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी कोई पॉलिसी नहीं, ईमानदारी धर्म है, ईमान है। तो तुम नहीं चलोगे? जब तक दफ्तर बंद नहीं हो जाता मैं नहीं जाऊंगा। भैया, आज माफ कर दो भाभी, तुम्हारे हाथ की चाय पीने फिर किस दिन आऊंगा।
गुड मॉर्निंग, आइए। मुझे अफसोस है मिस्टर शर्मा, बार बार आपको परेशान करना पड़ रहा है। I'm sorry, मिस्टर लाड़े, आपके उस 52,000 के सप्लीमेंट्री बिल के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक उस पर मिस्टर आचार्य के साइन हैं। मैं उस बिल के लिए नहीं आया हूँ मिस्टर शर्मा, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि आपके मिस्टर आचार्य का जो बर्ताव है उसकी वजह से यहाँ काम करना मुश्किल है। क्यों, क्या देखिए, शरणपुर कलवट का काम खत्म हो चुका है एज पर स्पेसिफिकेशन, और वो उसका बिल भी रोक रहे हैं एक अजीब सी वजह देकर। अजीब सी वजह? जी हाँ, ये कि हमने अपने मजदूरों को मजदूरी नहीं दी। मैं पूछता हूँ इससे आपके डिपार्टमेंट का क्या ताल्लुक? खैर, मिस्टर आचार्य अभी आ रहे हैं, मैं उनसे पूछ लूंगा। पूछिए, लेकिन मिस्टर शर्मा, अगर 3-4 दिन के अंदर मेरा बिल पास नहीं हुआ तो मुझे मजबूरन हायर अथॉरिटीज के पास जाना पड़ेगा। एंड आई एम वेरी सॉरी टू सी, जरूरत पड़ी तो मैं अदालत तक जाऊंगा। डोंट गेट एक्साइटेड मिस्टर लाड़िया, मैंने अभी अभी आपसे कहा वो आ रहे हैं, मैं उनसे पूछ लूंगा। इस पर भी अगर आप एक्शन लेना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। ऑलराइट, आई विल वेट फॉर अ फ्यू डेज। नमस्ते। May I come in, sir? Yes, come in. आओ सर, बैठ। सर सर चौधरी, जरा एक मिनट। थैंक्स सर, मैं एक महीने की छुट्टी पे बाहर जा रहा हूँ। लेकिन टेलीफोन पर मुझे कहा गया था कोई जरूरी डिस्कशन है। हाँ देखो, मैं तो यहाँ हूंगा नहीं, मेरी जगह कोई दूसरा ऑफिसर आएगा और उसे तुम्हें काफी तकलीफ पहुंचने वाली है, क्योंकि यहाँ के लोगों को तुमसे काफी शिकायतें हैं। अच्छा, वजह जान सकता हूँ? एक नहीं, 20। एक तो विश्वकर्मा पूजा के लिए तुमने वहां के लोगों को टारपोलिन टीन वगैरह ले जाने की इजाजत नहीं दी। सरकारी चीजें मैं प्राइवेट इस्तेमाल के लिए नहीं दे सकता। लेकिन सर, ये प्रैक्टिस तो शुरू से चली आ रही है। तो इसका ये मतलब नहीं, गलत प्रैक्टिस हमेशा चलती है। सत, इंसान को जिंदगी में कभी कभी कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ता है। कॉम्प्रोमाइज? कॉम्प्रोमाइज का मतलब समझते हैं आप? करप्शन का दूसरा नाम है कॉम्प्रोमाइज। बुजदिल लोग इस लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं। सर, मेहरबानी करके ऐसी एडवाइस मुझे मत दीजिए। एक दोस्त के नाते में ये सब कुछ कह रहा था। ठीक है, आज पता चला मुझे इसका कोई हक नहीं। इस वक्त एक ऑफिसर के हैसियत से पूछ सकता हूँ, मिस्टर लाड़िया का वर्क बिल अभी तक पास क्यों नहीं हुआ? मैंने चिट्ठी में सब कुछ लिख दिया है, कल तक आपको मिल जाएगी। खैर, मैंने सुना है उनका बिल इसलिए पास नहीं हुआ क्योंकि मिस्टर लाड़िया ने अपने मजदूरों को पैसे नहीं दिए। जी, आपने ठीक ही सुना है। उनके अपने मामले से हमारा क्या ताल्लुक है? सर, बहुत गहरा ताल्लुक है। गलत है, हमारा ताल्लुक सिर्फ इस बात से है कि कॉन्ट्रैक्टर ने हमारे स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक काम किया है या नहीं। दूसरी चीजें हमारे लिए कोई माने नहीं रखती। आपके लिए शायद नहीं रखती, लेकिन मेरे लिए बहुत माने रखती है। नहीं सर, सरकारी ऑफिसर का इसे कोई वास्ता नहीं। सरकारी ऑफिसर पहले इंसान है फिर कुछ और। मैं इंसान हूँ, भगवान की इस दुनिया में जहाँ अन्याय होगा मैं आवाज उठाऊंगा। फिर वही बात, अरे भाई, मजदूरों को अगर उनसे कोई शिकायत है तो आसानी से वो अदालत जा सकते हैं। सर, आप जिन्होंने दफ्तर में सत्य में जहते लगा रखा है, घर में बच्चों को सच बोलने का सबक देते हैं, जरा अपने सीने पर हाथ रखकर कहिए, रोज कमाता रोज खाता रुपया 2 रुपए कमाने वाला मजदूर अदालत में जा सकता है? अपने लिए वकील खड़ा कर सकता है? इन लखपति सेठों के मुकाबले में महीनों बरसों केस लड़ सकता है? कहिए, अपने सीने पर हाथ रखकर कहिए। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारी अदालतें कितनी ही निष्पक्ष कितनी ही इम्पार्शियल क्यों ना हो, गरीबों की पहुंच से बाहर है। मुझे समझने की कोशिश करो सर, प्लीज। मिस्टर लाड़िया तो छोटा मोटा आदमी नहीं है, तुम बात बात पर उनसे झगड़ा मोड़ लोगे तो। सर, मेरे दफ्तर में बहुत सा काम बाकी पड़ा है, मैं आई गो नाउ। यस यू मैम। सुनिए, टीई होने के हिस्से से बिल मुझे खुद पास करना होगा। यस सर, ऐसा ही कीजिए, मिस्टर लाड़िया कुछ छोटा मोटा आदमी नहीं। तुम्हें जरा सख्त होना पड़ेगा शर्मा। सख्त कैसे हूँ सर, आचार्य की बातों में भी तो सच्चाई है। देखिए ना, अगर वो CPWD में होता तो वर्कर्स को पेमेंट न करने के सिलसिले में बिल्स रोक सकता था, लेकिन PWD के कानून और है, और फिर सर हमारे कानून भी तो। देखो शर्मा, जो कानून बने हैं हमें उन पर ही चलना है।
वो गलत हैं या ठीक हैं ये पूछना हमारा काम नहीं। मैं भी यही कहता हूँ सर। सर आचार्य मेरा बहुत पुराना दोस्त है और मैं उसकी इज्जत करता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि सच्चाई और ईमानदारी की वजह से ही उसका झगड़ा सबके साथ होता है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे भी तो अपना ऑफिस चलाना है। सर आप मेहरबानी करके मेरी बदली कहीं और कर दीजिए, उससे निपटना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तुम कल छुट्टी पे जा रहे हो ना? यस सर। तो जाओ, लीव इट टू मी, मैं आचार्यों को समझा दूंगा। डोंट वरी शर्मा, यू गो। थैंक यू। जब मैं कश्मीर पहुंचा तो मेरे सब विचार खूबसूरत नजारों में खो गए। वो एक महीना कुछ ऐसी खुशी और बेखबरी के आलम में गुजरा कि मैं दफ्तर और सब के बारे में सब भूल गया। न जाने कब महीना गुजर गया। नमस्ते मुकुंद बाबू। नमस्ते सर। नमस्ते। कहिए छुट्टी कैसी कटी? बड़े मजे से। आप सुनाइए कुछ नई खबर। खबर तो एक ही है सर। क्या? वो मिस्टर आचार्य आपके छुट्टी पर जाते वक्त आपसे झगड़ा करके चले गए थे। हाँ? बड़े साहब से भी खूब झगड़ा हुआ, शायद उनको रिजाइन करना पड़े। गॉड। फिलहाल तो 3 महीने की छुट्टी दी है। आचार्य सब कहाँ? वो लोग तो कल ही चले गए। कहाँ? मैंने पूछने की बहुत कोशिश की लेकिन उन्होंने अपना पता नहीं बताया। अब तो मैं ही ऑफिस शिफ्ट कर रहा हूँ। सर इतनी दूर से आए हैं, चाय तो पीते जाइए, मैं ऊपर कह देता हूँ बनाने के लिए। थैंक यू। फिर कभी। सर आपसे कोई मिलना चाहते हैं। किस लिए? वो तो बताया नहीं लेकिन कहा है कि जरूरी काम है और आपके किसी दोस्त के पास आए। दोस्त के पास? क्या नाम क्या बताया? नाम तो बताया नहीं। ठीक है भेजो। आइए। नमस्ते। नमस्ते। आइए बैठे। थैंक यू। मैं अनंत जी, आपकी दोस्त आचार्य साहब ने मुझे भेजा। अच्छा। कौन सतने? कहाँ है वो? वो अस्पताल में है। हॉस्पिटल में? क्या हुआ, कोई एक्सीडेंट? फिर? मैं कैंसर हो गया है सर। कैंसर? अब से क्या छिपाऊं सर, बचने की कोई उम्मीद नहीं। मैं अपने मोहल्ले के एक आदमी को देखने गया था, देखा वहां आचार्य से पड़े हैं। उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है, कहा कि आप उनके सबसे अच्छे दोस्त हैं। अब रो रहे सर। रमन महर्षि, रामकृष्ण परमहंस, उन्हें भी तो कैंसर हुआ था। आचार्य साहब भी तो कोई साधारण आदमी नहीं। मिस्टर आचार्य और उनका लड़का, वो सब कहाँ है? मिस्टर लाडिया नाम के एक सज्जन के घर में है। किसके घर में? एक कंट्रैक्टर मिस लाडिया, वही तो देखभाल कर रहे हैं। अच्छा, अब चलिए मेरे साथ। सुनिए जी, 9 नंबर कहाँ है? वो रहा साहब। क्या छाटदार बीमारी मोल ली? बात मत कर मुझसे। तुमने जानबूझकर मुझे नहीं बताया कहाँ गया किधर गया। मुझे सजा देने के लिए ये सब कुछ किया था। बाजी ये झगड़ा करने की बेला है, देख जो बातें करनी है कर ले, तो मौका नहीं मिलेगा। क्या बक रहा है? हाँ ठीक ही तो कह रहा हूँ,
देख नहीं रहा मेरी हालत? देख रहा हूँ, लेकिन तू जो बकता है ना वो नहीं। आजकल दुनिया में ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं? अभी अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने पढ़ा था कैंसर के लिए कितने नए नए मेरे साथ। आजकल तू इतने दिन मेरे साथ रहा, अभी तक सच बोलने से डरता है? ये बीमारी कभी अच्छी हुई है? भाभी कहाँ? अभी आ जाएगी थोड़ी देर में, कुछ देर पहले खाना खाने के लिए भेजा है। सारा दिन यहाँ रहती है, रात को चटर्जी जबरदस्ती से घर भेज देता है और बेचारा खुद यहाँ रहता है। अरे इन लोगों का क्या होगा? काबुल संजना को कौन संभालेगा? हम जो है सर, उनके बारे में जरा भी मत सोच। अब सोचने की ताकत ही कहाँ है। अरे नमस्ते भाभी, कैसे हैं आप? ठीक ठीक सब है। अच्छे, मैं एक मिनट में मिस्टर लाड़िया से बात करूं। मैं भी आता हूँ सर, वन मिनट में सर। काबुल बेटा, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? बाबूजी, आप कब वापस आएंगे? आपके बिना पढ़ाई अच्छी नहीं लगती। क्यों? मुझे कोई नहीं पढ़ाता। क्यों, तेरी माँ पढ़ाती है ना? माँ तो दिन भर रोती रहती है। मैं इनके भविष्य के बारे में सोचता हूँ, कांप उठता हूँ। मिस्टर आचार्य ने ना तो कोई इंश्योरेंस करवाया है, ना ही कोई बैंक बैलेंस। इन लोगों की हालत बहुत खराब है। मिसेस आचार्य को जबरदस्ती मैंने इस बहाने अपने यहाँ लाकर रखा है कि अस्पताल से घर नजदीक है, और मिस्टर आचार्य को किस तरह समझा बुझाकर हॉस्पिटल में दाखिल किया वो भगवान ही जानता है। मिस्टर लाड़िया, मैंने आपके बारे में बहुत गलत अंदाजा लगाया था, मुझे माफ कर दीजिए। इसमें माफी मांगने की क्या बात है, हम सब ऐसी गलतियां करते हैं। बाहर से देखकर आदमी को पहचानना बहुत मुश्किल है मिस्टर शर्मा। मिसेस आचार्य, आपसे दो एक जरूरी बातें करनी है। आप समझदार हैं, सभी कुछ तो समझ रही हैं। उनकी जो हालत, आपने अपने बारे में कुछ सोचा? क्या सोचूं अपने बारे में? क्यों, बहुत कुछ सोचना है। काबुल को बड़ा करना है, और फिर आपके सामने आपकी सारी जिंदगी पड़ी है। और किसी तो नहीं कहता, आपकी हिम्मत देखकर कह रहा हूं। कहिए। वैसे इन बातों का ये वक्त तो नहीं, लेकिन एक मौका आया है, कहीं हाथ से निकल ना जाए। जी। आपने देखा होगा अपने घर के नीचे एक लॉन्ड्री है, उसका मालिक करीब 2 साल पहले गुजर गया। एक बूढ़ा नौकर है, वही दुकान चला रहा है। मालिक की बेवा लॉन्ड्री बेचकर गांव वापस जाना चाहता है। सुनते मुझे आता है, आप उसे खरीद क्यों नहीं लेती? मैं? हाँ, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। बूढ़ा ईमानदार आदमी है, सब ले देकर करीबन 300-400 रुपए हर महीने आपके हाथ पर रख देगा। और ये लॉन्ड्री मिल भी रही है बहुत सस्ते में, ये करीब 25,000 रुपए में। इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से लाऊंगी मिस्टर लाडिया? उस बारे में भी सोचा है, वो रुपए मैं आपको दूंगा। इतने रुपए मैं आपको क्यों दूंगा यही सोच रही है ना? तो ये एक नाजुक बात है, आपको जरा धीरज रखकर सुनना होगा। ये कागज आचार्य देखते ही समझ जाएंगे, ये एक सप्लीमेंट्री बिल है जो उन्होंने पास नहीं किया था। इस कागज पर अगर मिस्टर आचार्य बिना तारीख के दस्तखत कर दें तो मुझे काफी बड़ी रकम मिल जाएगी, और उसमें से 25,000 रुपए देना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं। आपको ये सब कहने की हिम्मत कैसे पड़ी? क्या इसलिए आपने मुझे यहाँ लाने की शराफत दिखाई थी? इतना नाराज होने की बात नहीं मिसेस आचार्य, आपको अगर बहुत बुरा लगे तो। बुरा लगे मतलब? क्या ये गलत काम नहीं? इसके पहले जो आपने सवाल किया था उसका जवाब पहले दे। आपको बड़े आदर से बुलाकर लाया, यहाँ रखा, इसमें थोड़ी सी खुदगर्जी थी, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ये स्वार्थ न रहने पर भी इस मुसीबत में मैं आपकी मदद जरूर करता हूँ। ये बात ना ही की जाए तो अच्छा है। किसके लिए अच्छा है? काबुल के लिए, आपके लिए,
मिसेस आचार्य, जिंदगी मैंने देखी काफी ठोकरें भी खाई है, तजुर्बे की बात कहता हूँ। आपकी हमदर्दी का शुक्रिया मिस्टर लाडिया, लेकिन दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो बिना किसी गर्ज के मेरी मदद करेंगे। आप शायद मिस्टर शर्मा की बात कर रही हैं, इसमें कोई शक नहीं, वो आपकी काफी मदद करेंगे, लेकिन कब तक? ये आदर, ये इज्जत क्या हमेशा रहेगी, या उनके सहारे जिंदगी गुजारना आपके लिए इज्जत की बात होगी? मैं सब कुछ सोच समझ के कह रहा हूँ, आपकी तरफ से, अपनी तरफ से। इसे आप अपने पास रखिए, उन्हें दिखाइए, अगर उन्हें बुरा लगे तो फाड़ कर फेंक दीजिएगा, मैं फिर कभी इसके बारे में आपसे जिक्र नहीं करूंगा। भाभी जी अब तक नहीं? अब तक तो आ जाती है रोज। नमस्ते भैया। नमस्ते। आइए बैठिए। आज नहीं, हम यहाँ आने के लिए निकल ही रहे थे, इतने में इनकी बड़ी बहन आ गई, नीचे कार में बैठी है। आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ, रंजना और काबुल की चिंता बहुत सता रही। तूने फिर वही बातें शुरू कर दी, कितनी मर्तबा कहा है जो भी दो रोटियां मिलेंगी हम सब आपस में बांट लेंगे। ना जी, भाभी से बात करता हूँ अपने घर ले जाने के लिए। अच्छा देख, मैं इनको नीचे छोड़ के आता हूँ, और तू फिक्र मत कर, मैं मिस्टर लाड़िया के घर फोन करता, देखता हूँ भाभी जी और काबुल क्यों नहीं आए। नमस्ते। क्या तुम उन्हें अपने यहाँ लाने को कह रहे थे? हाँ, क्यों? एक बार माजी से तो पूछ लिया होता। इसमें माजी से क्या पूछना है, सत मेरा दोस्त है, इतनी बड़ी मुसीबत में है, अगर भाभी जी हमारे घर रहे तो क्या है सर? तुम समझते क्यों नहीं, माजी को तो तुम जानते ही हो, रंजना जी के बारे में उन्हें मालूम हो गया तो हमारे हाथ का छुआ पानी तक नहीं पिएंगी। सो तो है, लेकिन सोचे समझे बिना उन्हें घर लाना ठीक नहीं होगा, वो जहाँ है वहीं रहने दो। हाँ, गुजारे के लिए हर महीना कुछ दे दिया करो, इस मुसीबत में वही बड़े काम आ जाएगा उनको। खैर बाद में बात करें। सुना है तुमने? जाने दो, झूठी उम्मीदें, जीने का हमारे लिए अब यही रास्ता बाकी रह गया है। मैं ये कागज लाई थी सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए और तुम्हारे सामने इसे फाड़ कर फेंक देने के लिए, लेकिन अब यूं लगता है इसके सिवा कोई चारा नहीं। कहाँ से मिला तुम्हें, किसने दिया है ये? मिस्टर लाडिया ने दिया है, उन्होंने कहा है अगर तुम इस पे दस्तखत कर दो तो वो मुझे 25,000 रुपए देंगे। ये पाप होगा ना, मैं पूछती हूँ कुन की गठरी बात कर तुम्हें मिला क्या है, एक दिन के लिए भी सुख का मुंह देख पाए? सुख की बात छोड़ो, ये बताओ मैं काबुल को पाल पोस कर बड़ा कैसे करूं? तुम जिन राहों पर सर ऊंचा करके चले हो, क्या तुम चाहते हो मैं उन राहों पर भीख मांगू, जिंदगी भर तुम्हारे दोस्तों की खैरात पर जिंदा रहूं? जो जब चाहे मेरी तरफ टुकड़ा फेंक दे और जब चाहे नहीं। इससे तो मेरी माँ का पेशा अच्छा था, तुम चाहते हो काबुल के लिए मुझे वही पेशा अपनाना पड़े?
काबुल तुम्हारा बेटा होता। भाभी जल्दी कीजिए, समय बहुत कम है। आप दादाजी को खबर कर दीजिए। उन्हें क्यों? उन्होंने तो सच से अपना नाता तोड़ दिया है, फिर इस उम्र में उनको ये दुख क्यों दे भाभी? ये दुख तुमने भुगतना ही पड़ेगा भैया। उनके ना होने पर इनकी अंतिम क्रिया कौन करेगा? मुखाग्नि कौन देगा? काबुल तो उनको चलिए, मैं भाभी को हॉस्पिटल ले जाता हूँ। आप काइंडली काम कीजिए, सत्य दादाजी को यहाँ फौरन आने के लिए टेलीग्राम दे दीजिए, वजह भी लिख दीजिए ना। और उनका एड्रेस है सत्य शरण आचार्य, सप्तपर्णी, उत्तर प्रदेश। जानते थे ना मैं इसे फाड़ दूंगी, जानते थे ना? देर क्यों हो रही है? चैटी जी तो गए स्टेशन, शायद पहचान नहीं पाए। ओ भगवान, क्या आखिरी वक्त भी मिल नहीं पाएंगे? अभी अभी मुंह से खून निकला। ओ गॉड, आ गया। कौन हो बेटा? जी मैं सत का दोस्त नरेन हूं। मुझसे सच कहो बेटा, क्या सत्य प्रिय? दादाजी दादाजी आए हैं, सुनते हो? दादाजी आए हैं। सर देख, दादाजी आए हैं। हाँ सर, दादाजी आए हैं।
उस दिन तो बड़ा झगड़ा करके चला आया था ना, तुझे अच्छी तरह गाली भी नहीं दे पाया। अब तो तू बोल भी नहीं पाएगा, तू गाली तुझे जी भर के है। अरे तू रोता है, तू रोता क्यों है? ओ समझा, झगड़े के बाद आज पहली बार मिले इसलिए। क्या करते बेटा, विधाता ने यहाँ लिख दिया है, तू अपने विश्वास, अपने विवेक, अपने विचार पर चलता रहा, और मुझे अपने कुल की मर्यादा का पालन करना था, बिछोड़ तो होना ही था। डर लगता है बेटा, वही तो, तू डरेगा क्यों? तू तो जानता है जहां तू जा रहा है वो आनंद लोक है। तू ये भी जानता है कि जिस तरह मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी तरह आत्मा भी थके हारे शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है, और फिर आत्मा नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। जिसे अस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, यह आत्मा अछेद अदाय अमलीन अशोष नित्य सर्वव्यापी। बेटा मुखाग्नि करनी है ना? मुखाग्नि मैं करूंगा बेटे के साथ। चुनिए आप इस बच्चे का जरा ख्याल रखिए। विमुखा बांधवा यान्ति धर्मस्तिष्ठति केवलम। तुम्हारे बंधु बांधव इस दुनिया में यहीं तक तुम्हारा साथ दे सकते हैं, अब ये यात्रा तुम्हें अकेले ही करना है। तुम्हारा साथी है केवल तुम्हारा धर्म। बेटा घर द्वार खुला छोड़ के आया हूँ, एक गाड़ी बुला दो, स्टेशन जाऊंगा। मैं खुद आपको स्टेशन पहुंचा दूंगा दादाजी। भाभी जी आ रही हैं, सिर्फ एक बार दूर से प्रणाम करने के लिए। आप तो जानते हैं दादाजी, सत मेरे भाई के बराबर था, उसकी पत्नी और बच्चे की देखरेख मैं करूंगा, उनके बारे में आप कोई चिंता मत कीजिए। नहीं बेटा, उनकी चिंता मैंने कब की जो अब करूंगा। आइए बेटे। सर श्राद्ध कहाँ होगा? श्राद्ध गांव में ही होगा। तो फिर इन लोगों को भी वहां जाना पड़ेगा? आवश्यकता नहीं, सब कुछ मैं ही कर लूंगा। मैं समझा नहीं, श्राद्ध भी आप ही कर लेंगे? हाँ श्राद्ध भी मैं ही करूंगा, लेकिन बेटे के रहते हुए। यह भी बहुत छोटा है ना, इसीलिए अंतिम क्रिया भी मैंने ही की। झूठ, ये झूठ बोल रहे। कबूल आप झूठ बोल रहे। ऐसा नहीं कहते। तो फिर ये झूठ क्यों बोल रहे?
बाबूजी कहते थे झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। क्या झूठ कहा इन्होंने? मैं छोटा हूँ इसलिए नहीं, मैं बाबूजी का बेटा नहीं हूँ, मैं और किसी का बेटा हूँ, इसलिए मैं शायद नहीं कर सकता। माँ ने मुझे सब बता दिया। किसने बताया? माँ ने, माँ कभी झूठ नहीं बोलती। लोक लाज के भय से जिस अप्रिय जिस भयंकर सत्य को मैंने कह सका, जीवन में पहली बार सत्य भ्रष्ट हुआ। आज उसे एक मां ने निसंकोच अपने बेटे से कह दिया, सत्यकाम की मां जवाला की तरह। नरेंद्र, मैं हारा नरेंद्र, यह मेरी सबसे बड़ी हार है नरेंद्र, जिसे नीच कुल की समझकर, जिसे मैंने अछूत अस्पृश्य समझकर द्वार से निकाल दिया था, आज उसी लड़की ने मुझे सिखा दिया कि सत्य बोलने का अहंकार नहीं, सत्य बोलने का साहस चाहिए। चाहे वो सत्य कितना ही अप्रिय कितना कठोर क्यों ना हो, आज उस लड़की ने मुझे समझा दिया कि वो मुझसे कितनी बड़ी कितनी महान है। भाभी को बुलाओ। लीजिए दादाजी। हाँ बेटा, अब तक पैसा ही था, लेकिन इस बच्चे के हाथ से पीऊंगा। लो बेटा। प्रणाम क्यों कर रही है बेटी? चल, गाड़ी का समय हो गया। उठ। अरे अपने कुल का बस ये एक ही वंशधर रह गया है, इसे लिखाना है, पढ़ाना है, बड़ा करना है, 14 पीढ़ियों से चले आने वाले इस कुल की मान मर्यादा का रक्षा करना है। मेरे और कितने दिन रह गए बेटी, ये सब काम तुझे करना है। बस बस बेटी बस। सत्य काम, मेरा सत्य काम। आ बेटी। आओ भाभी। दादाजी को उनकी लाठी देने चला तो देखा अब उन्हें लाठी की जरूरत नहीं, उन्हें सहारा मिल गया। वृद्ध दादाजी को एहसास हुआ कि खून से ही वंश की परंपरा नहीं चलती, जो विश्वास वहन करता है वही होता है असली वंशधर। इस कहानी का न आदि है न अंत। जब तक इंसान रहेगा, जब तक वो खुद को भगवान का प्रतिनिधि मानेगा, तब तक ये सत्य प्रिय की कहानी चलती रहेगी। आएंगे सत्य शरण, सत्य प्रिय, सत्य काम।